जा रही है जूनियर एनटीआर की ट्रिपल आर। कैसा है इस फिल्म से उनका नया लुक, आखिर किस जगह पर हादसे का शिकार हो गए थे एनटीआर, क्या इसी जगह पर उन्होंने खोया था अपने पिता और भाई को। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। दोस्तों, जूनियर एनटीआर अपना बर्थडे मना रहे 20 मई को और उनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। इसी मौके पर उनका नया लुक भी शेयर किया गया है फिल्म के डायरेक्टर SS राजामौली द्वारा, जिसमें कि वो काफ़ी स्टनिंग नज़र आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने भाला पकड़ा हुआ है और इससे पहले भी उनका एक टीज़र रिलीज़ हो चुका है इस फिल्म से, जिसने फैंस की जो बेताबी है इस फिल्म के लिए वो और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। आपको बता दें, स्टूडियो नंबर 1, सिमाद्री, बादशाह, टेम्पर जैसी सुपर हिट फिल्म कर चुके सुपरस्टार जूनियर NTR 38 साल के हो गए हैं। और कम ही लोग जानते होंगे कि जूनियर NTR ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। आज की तारीख में वो बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस जगह उनके पिता और भाई की मौत हुई थी, उसी जगह वो भी एक एक्सीडेंट से मरते मरते बचे थे। बात है 2009 की, जब जूनियर NTR TDP के कैंपेन करने के बाद हैदराबाद वापस लौट रहे थे। इस दौरान उनका नलगोंडा के सूर्यापेट में एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि NTR और उनके साथी कलाकार भी बहुत चोटिल हो गए थे। साथ ही वो कार से बाहर जा गिरे और बड़ी मुश्किल से उनकी जान को बचाया गया। NTR के जो पिता हैं हरि कृष्णा, 2018 में उनका एक्सीडेंट हुआ था और ये एक्सीडेंट भी नलगोंडा में ही हुआ था। वहीं उनके भाई का एक्सीडेंट भी यही हुआ था, आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो ये जगह उनके लिए एक तरह से अनलकी मान सकती है। वहीं दोस्तों, जूनियर NTR की बात करें तो इनकी अफेयर की भी खबरें थी हंसिका मोटवानी के साथ, लेकिन बाद में इन्होंने 2011 में शादी कर ली किसी से। साथ ही इनके अब 2 बच्चे भी हैं और दोनों खुशी खुशी रहते हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, इस फिल्म यानी कि जूनियर NTR की अपकमिंग फिल्म ट्रिपल आर की बात करें तो इसमें जूनियर NTR तो होंगे, साथ ही रामचरण होंगे, आलिया भट्ट होंगे, अजय देवगन होंगे, तो एक फुल पैक्ड फिल्म इसे बताया जा सकता है। बॉलीवुड और बॉलीवुड का संगम भी कहा जा सकता है। और इस फिल्म को जल्द ही रिलीज किया जाना है, अक्टूबर में इसकी रिलीज डेट फाइनल की गई है। अगर कोविड की सिचुएशन सही तो इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा, और अगर इसी टाइम पर रिलीज होती है तो ये अजय देवगन की मैदान के साथ टकरा सकती है, यानी कि अजय देवगन वर्सेस अजय देवगन आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आप कितना वेट कर रहे हैं ट्रिपल आर का, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के फिल्मी अपडेट्स और दिलचस्प किस्सों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियो। सरताज जिसके आगे एक सर झुकाए, धरती की जाती का लाल, बाहों में ताकत, आंखें जैसे बाज, जंगल का दुलार। स्टूडियोज और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मेहरा। आज हम बात करेंगे फिल्म ट्रिपल आर के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज यानी कि 20 मई के दिन इस फिल्म के एक्टर NTR का बर्थडे है। और आज ही फिल्म ट्रिपल आर की तरफ से NTR का एक पोस्टर भी पोस्ट किया गया है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। जी हाँ, NTR के उसी पोस्टर को राजामौली ने अपने ट्विटर अकाउंट में भी पोस्ट किया है, जिसे हजारों लोगों ने लाइक और कमेंट किया है। वैसे क्या आप जानते हैं कि अभी तक NTR और राजामौली ने कितनी फिल्में साथ में बनाई हैं? क्या आपको पता है कि फिल्म ट्रिपल आर की वजह से आलिया भट्ट को कहाँ और कब जाना पड़ा था? क्या आप जानते हैं कि फिल्म ट्रिपल आर में आलिया भट्ट किस एक्टर के अपोजिट नजर आने वाली है? जी हाँ, फिल्म से जुड़े कुछ सीक्रेट सवाल जिनके जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ ही वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर इस बीच आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब बारी है जवाब देने की। हमारा पहला क्वेश्चन था कि आखिर NTR और राजामौली ने अभी तक कितनी फिल्मों में काम कर लिया है। तो इसके जवाब में मैं आपको बता दूं कि अभी तक NTR और राजामौली ने एक साथ 3 फिल्मों में काम कर लिया है। जी हाँ, एक फिल्म है सम्हाद्री और दूसरी फिल्म है यमडोंडा और तीसरी फिल्म है ट्रिपल आर, जो कि अब रिलीज होगी।
वहीं हमारा दूसरा सवाल था कि आखिर आलिया भट्ट को ट्रिपल आर की वजह से कहां और कब जाना पड़ा। इसका जवाब है कि आलिया भट्ट को दिसंबर 2020 में हैदराबाद जाना पड़ा था। जी हां, फिल्म ट्रिपल आर की शूटिंग की वजह से आलिया भट्ट को हैदराबाद जाना पड़ा था। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे और हमारे लास्ट क्वेश्चन के बारे में, जो ये था कि आलिया भट्ट इस फिल्म में किस स्टार के अपोजिट नजर आने वाली है। तो उनका नाम है रामचरण। जी हाँ, इस फिल्म में आलिया भट्ट रामचरण के अपोजिट नजर आएंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक आप देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज। बात पर राजमौली से सहमत नहीं हो पा रहे हैं रामचरण और जूनियर एनटीआर। क्या एक बार फिर टलने को तैयार है आरआरआर? स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। एसएस राजमौली की अपकमिंग मैग्नम ओपस आरआरआर फिल्मी दुनिया की सबसे ज्यादा अवेटेड फिल्मों में से एक है। यही कारण है कि अनाउंसमेंट के बाद से ही ये फिल्म खबरों में है, कभी तारीफों के कारण तो कभी क्रिटिसिज्म की वजह से। हालांकि कोई चाहकर भी इसे इग्नोर नहीं कर सकता। रामचरण, रामा राव और राजमौली की कोलैबोरेशन वाली इस फिल्म में बॉलीवुड और हॉलीवुड के भी कुछ बड़े नाम शामिल हैं। वैसे तो फिल्म इस साल 13 अक्टूबर को ही रिलीज हो जाती, लेकिन कोरोना वायरस के सेकेंड वेव के कारण ऐसा हो पाना मुश्किल लग रहा है। तो क्या फिर एक बार टल जाएगी आजादी के लिए लड़ी गई जंग पर बनी ये फिल्म? कब होगी ये रिलीज? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इस बात से तो पूरी इंडस्ट्री वाकिफ है कि रामचरण और जूनियर एनटीआर राजमौली के काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कोरोना की इस मनहूस सिचुएशन ने इन लोगों को भी एक दूसरे से असहमत होने पर मजबूर कर दिया। दरअसल फिल्म की शूटिंग अभी तक पूरी नहीं हुई है, दोनों ही मेन एक्टर्स के कई सीन्स शूट होने बाकी हैं, इसलिए 13 अक्टूबर को तो फिल्म का रिलीज हो पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए ये तो कंफर्म है कि रिलीज डेट टल जाएगी, लेकिन अभी न्यू डेट क्या होगी इसी पर बहस छिड़ रखी है। बताया जा रहा है कि जहां राजमौली साल 2022 के गर्मी के मौसम को टारगेट कर रहे हैं, तो हमारे हीरोज के अकॉर्डिंग कम से कम फिल्म अगले साल के संक्रांति तक तो रिलीज कर ही दी जानी चाहिए। रामचरण और जूनियर एनटीआर की एक्साइटमेंट लाजमी भी है, जाहिर है वो भी अपनी इस ग्रैंड फिल्म को जल्द से जल्द बड़े पर्दे पर रिलीज होते देखना चाहते हैं और ऑडियंस की तालियां और सीटियां सुनना चाहते हैं। लेकिन राजमौली भी अपने इतने सालों की मेहनत में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते और हर कदम फूक फूक कर रखना चाहते हैं। बता दें कि इस फिल्म पर काम कर पाना राजमौली का पिछले 10 साल का सपना था, जो अब जाकर पूरा होने वाला है, इसलिए उनकी भी बात समझी जा सकती है। खबरें हैं फैसला जो भी होगा उसे ऑडियंस के सामने 20 मई को जूनियर एनटीआर के बर्थडे के दिन एक नए पोस्टर के साथ पेश किया जाएगा। इसी दिन फैंस को फिल्म की नई रिलीज डेट पता चलने के चांसेस हैं। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है फिल्म की रिलीज डेट कब की आएगी, संक्रांति, समर या फिर समथिंग मिडवे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और क्यों पहले मना कर चुके रोल को बाद में करने के लिए तैयार हो गए अजय देवगन? क्या नेशनल लेवल की एक्टिंग स्किल्स देखने वाली है अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म आरआरआर में? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, एक बार फिर से राजमौली बाहुबली के बाद दमदार वापसी करने वाले हैं अपनी अपकमिंग फिल्म आरआरआर के साथ। जी हाँ, वैसे इस बार की उनकी वापसी दुगनी ताकत के साथ होगी, क्योंकि इस बार वो कई सितारों के साथ आरआरआर पिक्चर में काम करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि आरआरआर पीरियड कॉस्ट्यूम ड्रामा ही होने वाली है, लेकिन रियल लाइफ हीरोज की फिक्शनल कहानी को भी दर्शाएगी ऑडियंस के सामने। इस प्रोजेक्ट के लिए तमाम फैंस काफी एक्साइटेड है, खासतौर पर आलिया भट्ट और अजय देवगन के।
इस पिक्चर में लीड रोल में नजर आएंगे आपको रामचरण और साथ ही जूनियर एनटीआर। इन दोनों के नाम से पहले ही धमाका मच चुका है, तो दूसरी तरफ अब इस पिक्चर में आलिया भट्ट और अजय देवगन की भी एंट्री हो गई है, तो ये होने वाला है सोने पे सुहागा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में अजय देवगन के किरदार पर बात करने वाले हैं जो वो इस पिक्चर में निभाएंगे। अजय देवगन का किरदार आरआरआर में काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अजय देवगन बॉलीवुड के इकलौते ऐसे सितारे हैं जिन्होंने बदलते वक्त के साथ अपनी एक्टिंग स्किल्स में भी कई परिवर्तन किया और कई जूनियर की मूवीज को निभाया और ऑडियंस को एंटरटेन किया। अब फूल और कांटे में उनकी एक्टिंग को देखें तो वही कॉमिक मूवीज जैसे कि बोल बच्चन या फिर गोलमाल में उनकी एक्टिंग को देखें तो दोनों में काफी डिफरेंस है, क्योंकि ये दोनों ही फिल्में अलग अलग बैकग्राउंड की है, लेकिन इन दोनों ही पिक्चरों में अजय देवगन की एक्टिंग कमाल की थी। अपने इतने लंबे फिल्मी करियर में अजय देवगन ने कई तरीके के रोल्स अपनाए। अब रेड की बात कर ले या फिर तानाजी की बात कर ले, उनकी परफॉर्मेंस कितनी बेहतरीन थी इस बात का अंदाजा हम सभी को है। दोस्तों इन्हीं सब पिक्चरों ने अजय देवगन को सुपरस्टार बना दिया। हालांकि उन्हें सुपरस्टार बनने में थोड़ा वक्त जरूर लग गया, लेकिन आज हर गली मोहल्ले का बच्चा बच्चा अजय देवगन को उनकी दमदार एक्टिंग की वजह से जानता है। शायद अजय देवगन की इसी डेडिकेशन को एसएस राजमौली अच्छे से भाप गए और उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म आरआरआर में अजय देवगन को कैमियो रोल दे दिया। हालांकि शॉर्ट लेंथ के वजह से अजय देवगन ने पहले इस कैमियो रोल को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन बाद में जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो उन्हें कहानी इतनी पसंद आई कि वो इस कैमियो रोल को निभाने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों इस बात की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है कि शायद वो जूनियर एनटीआर का गुरु का किरदार निभा सकते हैं इस अपकमिंग फिल्म में। दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि अजय देवगन के तमाम सीन्स फ्लैशबैक के होंगे। दोस्तों इस बात की भी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि अजय देवगन की नेशनल अवार्ड विनिंग पिक्चर भगत सिंह की भी परफॉर्मेंस की झलक आपको इस अपकमिंग फिल्म में देखने को मिल सकती है। वेल, टॉलीवुड में गुरु बनाने का ट्रेंड चल रहा है पिछले कुछ सालों से। इस अपकमिंग फिल्म में अजय देवगन का किरदार कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है कि आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो महज 10 मिनट के लिए दिखाई देंगे स्क्रीन पर, लेकिन उन्हें टीजर में भी जगह दी गई है, साथ ही उनके कैमियो को सीक्रेट नहीं रखा गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैमियोज को अक्सर ही सीक्रेट रखा जाता है, लेकिन अजय देवगन के कैमियो को मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तौर पर आरआरआर की क्रिएटिव टीम यूज कर रही है। हमारे लिए ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अजय देवगन का कैमियो रोल आरआरआर की ओवरऑल स्टोरी लाइन पर क्या इम्पैक्ट डालता है, साथ ही ऑडियंस को कितना एंटरटेन करता है। दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस अपकमिंग फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। या नहीं, यही एकलौती ख्वाहिश लेकर पला बड़ा हुआ। करतार सिंह सराबा को अपना आदर्श मानता हूं और बाकी अपने आसपास इतना कुछ देख चुका हूं कि बर्फ की सिलियां और चमड़े के चाबुक मेरे इरादों को टिका नहीं सकते। आखिर क्यों एसएस राजामौली की परफेक्ट हीरोइन की खोज बॉलीवुड में ही आकर रुकी? क्या आरआरआर में दिखाई जाएगी लव ट्रायंगल की कहानी? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में, जहां हम आज बात करने वाले हैं फिल्म आरआरआर के बारे में। तो आपको बता दें कि बाहुबली से दुनिया भर में नाम कमा लेने के बाद अब एक बार फिर डायरेक्टर एसएस राजामौली अपने नए मिशन पर चले हैं एक और पीरियड फिक्शन ड्रामा लेकर। लेकिन इस बार कैरेक्टर्स फिक्शनल नहीं हैं, बल्कि वो लोग हैं जिनका नाम यूं तो पूरे देश को पता होना चाहिए था, लेकिन रह गया सिर्फ एक राज्य तक ही सीमित। वो है लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर्स कोमाराम भीम और सीताराम राजू।
अब चाहे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें या एंटरटेनमेंट, फिल्म का सुर्खियां बटोरना तो लाजमी ही है। ऊपर से कास्टिंग भी इतनी दमदार कि अगर कुछ नहीं बताकर भी सिर्फ ये कास्ट ही बता दी जाए तो भी सारे थिएटर्स फुल हो ही जाएंगे। लेकिन इस पूरी कास्टिंग के बीच आज हम बात करेंगे उस नाम के बारे में जिसके साथ फिल्म के जुड़ने पर सबसे ज़्यादा सवाल उठाए गए थे। ये कौन है और इन सवालों का कारण क्या है और SS राजामौली ने इनका क्या जवाब दिया, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आपको बता दें कि यहाँ किसी और की नहीं बल्कि आलिया भट्ट की ही बात हो रही है, जिनका फिल्म का हिस्सा होना एक अलग ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक बन गया था। एक और तो लोग इस बात से नाराज थे कि राजामौली ने तेलुगु इंडस्ट्री से किसी एक्ट्रेस को क्यों नहीं चुना, तो दूसरी ओर लोग इस पर नेपोटिज्म का आरोप भी लगा रहे थे। यहाँ तक कि आलिया भट्ट को फिल्म से निकालने तक की मांग हो रही थी। दरअसल फिल्म की अनाउंसमेंट उस समय हुई जब सुशांत सिंह राजपूत केस चल रहा था और इंडस्ट्री में नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म के इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। ऊपर से आलिया भट्ट के पिता महेश भट्ट को दो केसेस से डायरेक्टली लिंक्ड बताया जा रहा था। महेश भट्ट और नेपोटिज्म के खिलाफ इसी जंग की विक्टिम आलिया भट्ट की फिल्म सड़क टू भी हुई थी और अब RRR के साथ भी उनकी इन्वॉल्वमेंट किसी को भी रास नहीं आ रही थी। हालांकि राजामौली तो राजामौली ठहरे, उन्होंने कोई भी बदलाव नहीं किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने आलिया भट्ट को इसीलिए चुना क्योंकि उन्हें एक ऐसी एक्ट्रेस की तलाश थी जो कि रामचरण और जूनियर NTR के सामने भी अपनी एग्जिस्टेंस फील करा सके, जिसके चेहरे पर मासूमियत हो पर वो अपनी एक्टिंग में वल्नरेबिलिटी और रेजिलेंस की झलक भी दिखा सके। और क्योंकि ये सारी खूबियाँ आलिया में दिखी इसीलिए वो इस फिल्म का हिस्सा बन पाई। हालांकि उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि NTR और रामचरण के बीच अपनी जगह बनाने से उनका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इन दोनों के बीच कोई लव ट्रायंगल दिखाया जाएगा। अब राजामौली ने तो अपनी बात साफ कह दी। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या आलिया भट्ट इस फिल्म के लिए सही चॉइस है। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज की स्क्रिप्ट जरा सा खून देखकर इतना डर गए, इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहा दूं, तफा हो जाओ यहां से। आखिर ऐसी क्या वजह है जो हर कोई SS राजामौली के साथ काम करना चाहता है? भाग्य है या मेहनत? कौन दे रहा है राजामौली का साथ? मूवी RRR के बाद क्या आएगा इसका भी सीक्वल? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं हूं अभिलाषा दुबे, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल में। हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्टर SS राजामौली के बारे में। फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा से ही एक्शन फिल्मों को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिला है। खासकर साउथ फिल्मों का एक्शन हमेशा से ही बहुत पसंद किया जाता है और पिछले दो दशक में अगर एक्शन फिल्मों की बात करें तो SS राजामौली की फिल्मों ने खूब पॉपुलैरिटी हासिल की है। बाहुबली को जिस तरह से विश्व भर में पसंद किया गया था ये बात तो जग जाहिर है। SS राजामौली के करियर की पहली फिल्म थी स्टूडेंट नंबर 1। इस फिल्म के जरिए जूनियर NTR ने खूब नाम कमाया था। फिल्म लोगों को काफी पसंद आई थी। इसके बाद उन्होंने सिमाद्री और छत्रपति नाम से दो एक्शन फिल्में बनाई, मगर साल 2009 में SS राजामौली की एक ऐसी एक्शन फिल्म रिलीज हुई जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। फिल्म में नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड और नंदी अवार्ड समेत कई सम्मान अपने नाम किए थे। इसके बाद उन्होंने फिल्म मर्यादा रमन्ना जैसी और एग्गा जैसी फिल्में डायरेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा डायरेक्ट कर दिया कि दुनिया भर में इस फिल्म ने धमाल मचा दिया। बाहुबली के दोनों पार्ट्स ब्लॉकबस्टर साबित हुए। इतना ही नहीं, फिल्म की कास्ट रातों रात सुपरस्टार बन गए। SS राजामौली का वो कॉन्फिडेंस ही है जो उन्हें किसी को भी सुपरस्टार बनाने में काफी है। उन्होंने बाहुबली में इतने पैसे लगाए और फिल्म भी लोगों को बेहद पसंद आई थी। अब एक्शन फिल्मों के स्पेशलिस्ट SS राजामौली एक और बड़ी एक्शन फिल्म लेकर आ रहे हैं। फिल्म का नाम RRR है। फिल्म में NTR जूनियर,
अय्यर और रामचरण होंगे। साथ ही इस फिल्म में दो बॉलीवुड स्टार अपने तेलुगु डेब्यू को करने जा रहे हैं। इन स्टार्स में आलिया भट्ट और अजय देवगन मुख्य रूप से शामिल है। फिल्म में आलिया भट्ट एक्टर रामचरण के अपोजिट नजर आएंगी और फिल्म 13 अक्टूबर 2021 को रिलीज की जाएगी। आज की डेट में राजमौली सफलता की गारंटी बन गए हैं। बड़े बड़े सुपरस्टार्स की एक ख्वाहिश होती है कि वो एसएस राजमौली के साथ काम करें। साथ ही आपको बता दें कि 3R के साथ ही राजमौली ने इसके दूसरे पार्ट यानी कि R4 का भी ऐलान कर दिया है। बाहुबली की तरह भी वो भी इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे और एक नए रिकॉर्ड का काम करेगा। लेकिन इस R4 में कितने कास्ट नहीं होंगे या फिर इस पुरानी कहानी यानी कि क्यों पहले मना कर चुके रोल को बाद में करने के लिए तैयार हो गए अजय देवगन? क्या नेशनल लेवल की एक्टिंग स्किल्स देखने वाली है अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म RRR में? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, एक बार फिर से राजमौली बाहुबली के बाद दमदार वापसी करने वाले हैं अपनी अपकमिंग फिल्म RRR के साथ। जी हाँ, वैसे इस बार की उनकी वापसी दुगनी ताकत के साथ होगी क्योंकि इस बार वो कई सितारों के साथ RRR पिक्चर में काम करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि RRR पीरियड कॉस्ट्यूम ड्रामा ही होने वाली है, लेकिन रियल लाइफ हीरोज की फिक्शनल कहानी को भी दर्शाएगी ऑडियंस के सामने। इस प्रोजेक्ट के लिए तमाम फैंस काफी एक्साइटेड है, खास तौर पर आलिया भट्ट और अजय देवगन के। इस पिक्चर में लीड रोल में नजर आएंगे आपको रामचरण और साथ ही जूनियर NTR। इन दोनों के नाम से पहले ही धमाका मच चुका है, तो दूसरी तरफ अब इस पिक्चर में आलिया भट्ट और अजय देवगन की भी एंट्री हो गई है, तो ये होने वाला है सोने पे सुहागा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अजय देवगन के किरदार पर बात करने वाले हैं जो वो इस पिक्चर में निभाएंगे। अजय देवगन का किरदार RRR में काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अजय देवगन बॉलीवुड के इकलौते ऐसे सितारे हैं जिन्होंने बदलते वक्त के साथ अपनी एक्टिंग स्किल्स में भी कई परिवर्तन किए और कई जूनियर की मूवीज को निभाया और ऑडियंस को एंटरटेन किया। अब फूल और कांटे में उनकी एक्टिंग को देखें तो वही कॉमिक मूवीज जैसे कि बोल बच्चन या फिर गोलमाल में उनकी एक्टिंग को देखें तो दोनों में काफी डिफरेंस है, क्योंकि ये दोनों ही फिल्में अलग अलग बैकग्राउंड की है, लेकिन इन दोनों ही पिक्चरों में अजय देवगन की एक्टिंग कमाल की थी। अपने इतने लंबे फिल्मी करियर में अजय देवगन ने कई तरीके के रोल्स अपनाए। अब रेड की बात कर ले या फिर तानाजी की बात कर ले, उनकी परफॉर्मेंस कितनी बेहतरीन थी इस बात का अंदाजा हम सभी को है। दोस्तों, इन्हीं सब पिक्चरों ने अजय देवगन को सुपरस्टार बना दिया। हालांकि उन्हें सुपरस्टार बनने में थोड़ा वक्त जरूर लग गया, लेकिन आज हर गली मोहल्ले का बच्चा बच्चा अजय देवगन को उनकी दमदार एक्टिंग की वजह से जानता है। शायद अजय देवगन की इसी डेडिकेशन को SS राजमौली अच्छे से भाप गए और उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म RRR में अजय देवगन को कैमियो रोल दे दिया। हालांकि शॉर्ट लेंथ के वजह से अजय देवगन ने पहले इस कैमियो रोल को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन बाद में जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो उन्हें कहानी इतनी पसंद आई कि वो इस कैमियो रोल को निभाने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, इस बात की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है कि शायद वो जूनियर NTR का गुरु का किरदार निभा सकते हैं इस अपकमिंग फिल्म में। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि अजय देवगन के तमाम सीन्स फ्लैशबैक के होंगे। दोस्तों, इस बात की भी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि अजय देवगन की नेशनल अवार्ड विनिंग पिक्चर भगत सिंह की भी परफॉर्मेंस की झलक आपको इस अपकमिंग फिल्म में देखने को मिल सकती है। वेल, टॉलीवुड में गुरु बनाने का ट्रेंड चल रहा है पिछले कुछ सालों से। इस अपकमिंग फिल्म में अजय देवगन का किरदार कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है कि आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो महज 10 मिनट के लिए दिखाई देंगे स्क्रीन पर, लेकिन उन्हें टीजर में भी जगह दी गई है। साथ ही उनके कैमियो को सीक्रेट नहीं रखा गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैमियोज को अक्सर ही सीक्रेट रखा जाता है, लेकिन अजय देवगन के कैमियो को मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तौर पर RRR की क्रिएटिव टीम यूज कर रही है। हमारे लिए ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अजय देवगन का कैमियो रोल RRR के ओवरऑल स्टोरी लाइन पर क्या इम्पैक्ट डालता है, साथ ही ऑडियंस को कितना एंटरटेन करता है।
दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस अपकमिंग फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब करें ताकि बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। या नहीं, यही एक लौती ख्वाहिश लेकर पला बड़ा हुआ। करतार सिंह सराबा को अपना आदर्श मानता हूं और बाकी अपने आसपास इतना कुछ देख चुका हूं कि बर्फ की सिल्लियां और चमड़े के चाबुक मेरे इरादों को टिका नहीं सकते। आखिर क्यों एसएस राजा मौली की परफेक्ट हीरोइन की खोज बॉलीवुड में ही आकर रुकी? क्या आरआरआर में दिखाई जाएगी लव ट्रायंगल की कहानी? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में, जहां हम आज बात करने वाले हैं फिल्म आरआरआर के बारे में। तो आपको बता दें कि बाहुबली से दुनिया भर में नाम कमा लेने के बाद अब एक बार फिर डायरेक्टर एसएस राजा मौली अपने नए मिशन पर चले हैं एक और पीरियड फिक्शन ड्रामा लेकर। लेकिन इस बार कैरेक्टर्स फिक्शनल नहीं हैं, बल्कि वो लोग हैं जिनका नाम यूं तो पूरे देश को पता होना चाहिए था, लेकिन रह गया सिर्फ एक राज्य तक ही सीमित। वो है लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर्स कोमाराम भीम और सीताराम राजू। अब चाहे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें या एंटरटेनमेंट, फिल्म का सुर्खियां बटोरना तो लाजमी ही है। ऊपर से कास्टिंग भी इतनी दमदार कि अगर कुछ नहीं बताकर भी सिर्फ ये कास्ट ही बता दी जाए तो भी सारे थिएटर्स फुल हो ही जाएंगे। लेकिन इस पूरी कास्टिंग के बीच आज हम बात करेंगे उस नाम के बारे में जिसके साथ फिल्म के जुड़ने पर सबसे ज़्यादा सवाल उठाए गए थे। ये कौन है और इन सवालों का कारण क्या है और एसएस राजा मौली ने इनका क्या जवाब दिया, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपको बता दें कि यहाँ किसी और की नहीं बल्कि आलिया भट्ट की ही बात हो रही है, जिनका फिल्म का हिस्सा होना एक अलग ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन गया था। एक और तो लोग इस बात से नाराज थे कि राजा मौली ने तेलुगु इंडस्ट्री से किसी एक्ट्रेस को क्यों नहीं चुना, तो दूसरी ओर लोग इस पर नेपोटिज्म का आरोप भी लगा रहे थे। यहाँ तक कि आलिया भट्ट को फिल्म से निकालने तक की मांग हो रही थी। दरअसल फिल्म की अनाउंसमेंट उस समय हुई जब सुशांत सिंह राजपूत केस चल रहा था और इंडस्ट्री में नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म के इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। ऊपर से आलिया भट्ट के पिता महेश भट्ट को दो केसेस से डायरेक्टली लिंक्ड बताया जा रहा था। महेश भट्ट और नेपोटिज्म के खिलाफ इसी जंग की विक्टिम आलिया भट्ट की फिल्म सड़क टू भी हुई थी और अब आरआरआर के साथ भी उनकी इन्वॉल्वमेंट किसी को भी रास नहीं आ रही थी। हालांकि राजा मौली तो राजा मौली ठहरे, उन्होंने कोई भी बदलाव नहीं किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने आलिया भट्ट को इसीलिए चुना क्योंकि उन्हें एक ऐसी एक्ट्रेस की तलाश थी जो कि रामचरण और जूनियर एनटीआर के सामने भी अपनी एग्जिस्टेंस फील करा सके, जिसके चेहरे पर मासूमियत हो पर वो अपनी एक्टिंग में वल्नरेबिलिटी और रेजिलेंस की झलक भी दिखा सके। और क्योंकि ये सारी खूबियां आलिया में दिखी इसीलिए वो इस फिल्म का हिस्सा बन पाई। हालांकि उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि एनटीआर और रामचरण के बीच अपनी जगह बनाने से उनका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इन दोनों के बीच कोई लव ट्राइंगल दिखाया जाएगा। अब राजा मौली ने तो अपनी बात साफ कह दी। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या आलिया भट्ट इस फिल्म के लिए सही चॉइस है? और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज जरा सा खून देखकर इतना डर गए, इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहा दूं, दफा हो जाओ यहां से। आखिर ऐसी क्या वजह है जो हर कोई एसएस राजमौली के साथ काम करना चाहता है? भाग्य है या मेहनत? कौन दे रहा है राजमौली का साथ?
मूवी RRR के बाद क्या आएगा इसका भी सीक्वल जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं हूं अभिलाषा दुबे, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल में। हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्टर SS राजमौली के बारे में। फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा से ही एक्शन फिल्मों को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिला है। खासकर साउथ फिल्मों का एक्शन हमेशा से ही बहुत पसंद किया जाता है। और पिछले दो दशक में अगर एक्शन फिल्मों की बात करें तो SS राजमौली की फिल्मों ने खूब पॉपुलैरिटी हासिल की है। बाहुबली को जिस तरह से विश्व भर में पसंद किया गया था, ये बात तो जग जाहिर है। SS राजमौली के करियर की पहली फिल्म थी स्टूडेंट नंबर 1। इस फिल्म के जरिए जूनियर NTR ने खूब नाम कमाया था। फिल्म लोगों को काफी पसंद आई थी। इसके बाद उन्होंने सिमाद्री और छत्रपति नाम से दो एक्शन फिल्में बनाई, मगर साल 2009 में SS राजमौली की एक ऐसी एक्शन फिल्म रिलीज हुई जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म में नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड और नंदी अवार्ड समेत कई सम्मान अपने नाम किए थे। इसके बाद उन्होंने फिल्म मर्यादा रामन्ना जैसी और एग्गा जैसी फिल्में डायरेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा डायरेक्ट कर दिया कि दुनिया भर में इस फिल्म ने धमाल मचा दिया। बाहुबली के दोनों पार्ट्स ब्लॉकबस्टर साबित हुए। इतना ही नहीं, फिल्म की कास्ट रातों रात सुपरस्टार बन गए। SS राजमौली का वो कॉन्फिडेंस ही है जो उन्हें किसी को भी सुपरस्टार बनाने में काफी है। उन्होंने बाहुबली में इतने पैसे लगाए और फिल्म भी लोगों को बेहद पसंद आई थी। अब एक्शन फिल्मों के स्पेशलिस्ट SS राजमौली एक और बड़ी एक्शन फिल्म लेकर आ रहे हैं। फिल्म का नाम RRR है। फिल्म में NTR जूनियर और रामचरण होंगे। साथ ही इस फिल्म में दो बॉलीवुड स्टार अपने तेलुगु डेब्यू को करने जा रहे हैं। इन स्टार्स में आलिया भट्ट और अजय देवगन मुख्य रूप से शामिल है। फिल्म में आलिया भट्ट एक्टर रामचरण के अपोजिट नजर आएंगी और फिल्म 13 अक्टूबर 2021 को रिलीज की जाएगी। आज की डेट में राजमौली सफलता की गारंटी बन गए हैं। बड़े बड़े सुपरस्टार्स की एक ख्वाहिश होती है कि वो SS राजमौली के साथ काम करें। साथ ही आपको बता दें कि 3R के साथ ही राजमौली ने इसके दूसरे पार्ट यानी कि R4 का भी ऐलान कर दिया है। बाहुबली की तरह भी वो भी इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे और एक नए रिकॉर्ड का काम करेगा। लेकिन इस R4 में कितने कास्ट नहीं होंगे या फिर इस पुरानी कहानी यानी कि RRR की कहानी को ही आगे जारी किया जाएगा, ये हमारी आने वाले वीडियो। ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया ना कभी सोचा गया। ब्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही हिला दिया। फिल्म RRR में काम करने वाले दमदार हीरो जूनियर NTR का कैसा रहा फिल्मों का सफर, कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया है हीरो NTR को, कितने करोड़ों की फीस लेते हैं जूनियर NTR। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीक्राफ्ट स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। हम आज बात करने वाले हैं फिल्म RRR के लीड एक्टर जूनियर NTR की जिंदगी से जुड़े कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबरों के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि अपनी एक्टिंग और अपनी दमदार फाइटिंग के जलवे दिखाने वाले जूनियर NTR का 20 मई को जन्मदिन है। तो दोस्तों 1983 में हैदराबाद में जन्मे जूनियर NTR अपने जमाने के पॉपुलर एक्टर और आंध्र प्रदेश के CM रहे NT रामाराव के पोते हैं। दोस्तों बता दें कि NTR ने अपनी कई फिल्मों में बेहतरीन अभिनय के लिए नंदी अवार्ड, आईफा अवार्ड और फिल्म फेयर बेस्ट तेलुगु अवार्ड हासिल किए हैं। तो दोस्तों बता दें कि 2009 के जनरल इलेक्शन में तेलुगु देशम पार्टी के कैंपेन के बाद हैदराबाद लौट रहे जूनियर NTR की कार का नलगोंडा के सूर्यापेट में एक्सीडेंट हो गया था। बाद में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इलाज के बाद वो ठीक हो पाए थे। साल 2010 में एक वकील सिंगलूरी शांति प्रसाद ने जूनियर NTR के खिलाफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया था।
उनका कहना था कि जूनियर एनटीआर जिस लड़की से शादी कर रहे हैं उसकी उम्र सिर्फ 17 साल की है। जूनियर एनटीआर ने अपने करियर में लगभग साउथ की हर एक्ट्रेस के साथ काम किया है, लेकिन भूमिका चावला के साथ अफेयर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। दोस्तों, जूनियर एनटीआर अपने 18 साल के करियर में कई धमाकेदार रिकॉर्ड बना चुके हैं। उन्हें टॉलीवुड का सलमान खान भी कहा जा सकता है। जूनियर एनटीआर लंबे समय से सबसे ज्यादा फीस वाले एक्टर्स में शामिल हैं। वो एक फिल्म के लिए 18 से 20 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं। जूनियर एनटीआर फिलहाल राजमौली की फिल्म आरआरआर में काम कर रही हैं। जूनियर एनटीआर ने साल 1996 में तेलुगु फिल्म रामायणम में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। इसी के साथ जूनियर एनटीआर एसएस राजमौली की आने वाली बड़े बजट की फिल्म आरआरआर में नजर आने वाले हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, क्योंकि एसएस राजमौली ने इसके दूसरे पार्ट की भी घोषणा कर दी है, तो ये इसके दूसरे पार्ट R4 में भी नजर आने वाले हैं, जिसके लिए एनटीआर को काफी पहले ही साइन कर लिया गया था। फिल्म आरआरआर में एनटीआर स्वतंत्रता सेनानी का किरदार कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों R4 में इनके किरदार को लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इनका R4 में किरदार कैसा होगा, तो देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को और दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इसे लाइक और शेयर करना मत। हिंदुस्तान में बहादुर बेटों की कमी नहीं है। इस मुल्क की मिट्टी उनके खून से लहराई हुई है। क्यों दिखाई नहीं दिए कोमाराम भीम राजू के जन्मदिन पर? किस तरह से फिल्म आरआरआर के सेट पर मनाया गया डायरेक्टर का जन्मदिन? क्या 40 फीट की ऊंचाई से जंप लगाएंगे राजमौली फिल्म के एक्टर रामचरण को? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं हूं अभिलाषा दुबे, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल में। आइए बात करते हैं हमारे आज के वीडियो के विषय के बारे में। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है फिल्म RRR। तो आइए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो का। आपने फिल्मों के कलाकार को कई अलग अलग अंदाज में जन्मदिन मनाते हुए देखा होगा। कभी ऐसे सितारे किसी दूर विदेश जगह पर जाकर अपना खास दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो कहीं वे अपने घर वालों के साथ इस दिन को मनाते हैं। और जब बात हो फिल्म के सेट पर, तो जन्मदिन मनाने का पूरा टीम के साथ ये जन्मदिन मनाया जाता है। उस सदस्य का जन्मदिन धूमधाम से मनाई जाती है। अब RRR की टीम को ही ले लीजिए। 27 मार्च यानी कि आपके चहेते मगध धीरा हीरो रामचरण का जन्मदिन था। क्या कोई अपने जन्मदिन वाले दिन भी शूटिंग करता है भला? शायद यही सवाल रामचरण की बीबी उपासना कामिनेनी ने भी उनसे किया होगा। लेकिन फिल्म जब इतनी निराली हो और फिल्म के डायरेक्टर SS राजमौली हो, तो हर एक एक्टर उस फिल्म के सेट पर संडे हो या मंडे, बर्थडे हो या फिर कोई भी आम दिन जैसा पहुंच जाएगा। और डायरेक्टर राजमौली भी अपने एक्टर्स के प्रति काफी प्यार लुटाते हैं। इसी बात से पता चलता है कि फिल्म RRR के मुख्यालय कलाकार के जन्मदिन पर डायरेक्टर ने उनके नाम का एक बहुत ही बड़ा कटआउट सेट पर लगवाया था। और यह कटआउट इतना बड़ा था कि इसके लिए क्रेन का इस्तेमाल करना पड़ा था। इसके साथ ही सेट पर राजमौली ने केक और आतिशबाजियों का भी इंतजाम किया था। लेकिन एक जो चौंकाने वाली बात थी वह यह थी कि आखिर उस वक्त फिल्म के बाकी कलाकार थे कहाँ? जी हाँ, इस खास वीडियो में डायरेक्टर और एक्टर रामचरण तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिल्म के बाकी के क्रू भी दिखाई दे, लेकिन ना तो फिल्म के दूसरे मुख्य कलाकार कोमाराम भीम यानी कि जूनियर NTR कहीं भी दिखाई नहीं दिए और ना ही कोई अन्य कास्ट। अरे तो आपको बता देते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। दरअसल फिल्म में रामचरण राम अवतार में लुक इसी दिन जारी किया गया था और इस अवतार की फोटोग्राफी की वजह से सिर्फ रामचरण डायरेक्टर और क्रू ही सेट पर मौजूद थी। इसी तरह पिछले साल अक्टूबर के महीने में एक और खास वीडियो वायरल हुआ था। मौका था डायरेक्टर का जन्मदिन। जी हाँ, SS राजमौली साहब का जन्मदिन 10 अक्टूबर को ही आता है
और पिछले साल तो पूरी टीम ने उनके इस खास दिन को बड़े ही रोमांचक तरीके से मनाया था। चलिए उठाते हैं इस राज से पर्दा और खोलते हैं इस राज को। हमने आपको बताया ही था कि फिल्म के प्रोड्यूसर डीवीवी एंटरटेनमेंट, जिनके यूट्यूब चैनल से अक्टूबर 2020 में पहली बार ऑफिशियल फिल्म के टीजर अलग अलग भाषाओं में रिलीज किए गए, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको फिल्म से जुड़े बिहाइंड द सीन्स की कुछ झलकियां भी देखने को मिल जाएगी। इतना ही नहीं, डायरेक्टर के जन्मदिन से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया है जो काफी वायरल हुआ। इस वीडियो में सबसे पहले दिखाई दिए हैं आरआरआर के सदस्य, जिसके बाद फिल्म के सहायक निदेशक और सह निदेशक ने डायरेक्टर की कुछ बातें और हाव भाव का खुलासा भी किया है कि जैसे डायरेक्टर राजमौली सेट पर व्यवहार करते हैं और डायरेक्टर के रूप में वह कितने स्ट्रिक्ट है। डायरेक्टर के बारे में यह भी खबर आई थी कि उन्हें एक अंडर वाटर शूट करने में कुछ दिक्कतें आ रही थी और इस शॉट को शूट करने के लिए कई बार रिटेक लेने पड़े थे, लेकिन जब तक उन्हें परफेक्ट शॉट नहीं मिला था तब तक उन्होंने ओके नहीं बोला था। उनके असिस्टेंट डायरेक्टर किरण ने बताया कि फिल्म आरआरआर की लोकेशन के लिए डायरेक्टर ने उनसे उस लोकेशन की तस्वीर खींचकर भेजने को कहा। जब उन्होंने फोटो भेजी तो डायरेक्टर ने कहा कि ऐसे कैसे लोकेशन समझ आएगी। फिर उन्होंने एक आदमी को खड़ा करके बैकग्राउंड के साथ तस्वीर ली है तो उन्होंने कहा लेफ्ट और राइट का व्यूज भी समझ नहीं आ रहा है। जब किरण ने दोबारा लेफ्ट और राइट व्यू के साथ फोटोज खींचकर भेजी तब उसके बाद उन्होंने लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट का एंगल समझ नहीं आ रहा था, जिस पर उनकी टीम ने एक वीडियो तैयार करके उनको तुरंत भेजा। लेकिन यह मामला भी डायरेक्टर को सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा और अंत में उन्होंने कहा कि छोड़ो, सेट्स पर ही ब्लू मैट्स लगाकर वहीं शूटिंग कर लेंगे। इसके बाद जूनियर एनटीआर ने भी डायरेक्टर के बारे में कहा कि जब भी हम थक हार कर सोचते हैं कि चलो कुछ देर आराम कर लेंगे, तभी डायरेक्टर किसी मुश्किल स्टंट की बात कर देते हैं। हम जब भी पैकअप कर 1 बजे घर लौटने की सोच ही रहे होते हैं, डायरेक्टर को एक बेहतरीन आइडिया आ जाता है। वो रात के कभी भी 12 हो या 1 बजे बोलते हैं कि चलो शूट करते हैं। हालांकि सीक्वेंस उनके दिमाग में अभी तैयार है या नहीं, ये हमारी किस्मत पर है। तो रामचरण ने बड़ी ही मजाकिया अवतार में डायरेक्टर की बात बताई कि जब उन्हें पता चला पहली बार कि डायरेक्टर एक्शन सीक्वेंस डायरेक्ट करेंगे तो रामचरण सेट पर पहुंचे, जहां उन्हें डायरेक्टर ने बताया कि वो देखो सामने 40 फीट की ऊंचाई से जंप लगाई जाएगी और देखना तुम चरण क्या शॉट होगा। तो रामचरण ने कहा वाह सर, ये काफी रिस्की है और हिम्मत माननी पड़ेगी जो इस शॉट को कर लेगा, लेकिन सर ये करने कौन वाला है। तो डायरेक्टर ने उन्हें देखते हुए की कहा और कौन, तुम चरण। इसी तरह उनकी पूरी टीम ने उनकी स्ट्रिक्टनेस के बारे में बातें बताई, लेकिन वीडियो के एंडिंग में एक बहुत ही प्यारा मैसेज उन्हें दिया कि हम आपको इन्हीं कारणों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। आप हर दिन हमारे लिमिट पुश करके हमारे अंदर से हमारा बेस्ट वर्जन लाते हैं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, टीम आरआरआर। तो था ना ये आयरोनिक बर्थडे विश, जिसे राजमौली हमेशा याद रखेंगे। वहीं अगर आप राजमौली साहब के फैन हैं तो आपको उनकी आखिरी फिल्म बाहुबली पसंद आई थी तो हम आपको उनकी दूसरी बेहतरीन फिल्में जैसे कि 2012 की इरगा और आरआरआर के बारे में किस तरह का कमेंट किया अभिनेता जूनियर एनटीआर ने। 15 अगस्त को क्या खास करने जा रही है आरआरआर की टीम। नॉर्थ साउथ की किस रेस में भाग लेगी फिल्म आरआरआर। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। एएस फिल्म निर्माता एसएस राजमौली अपनी फिल्मों के अपडेट से सभी को लुभाने में कभी असफल नहीं हुए हैं। हाल ही में निर्देशक ने अपनी आगामी फिल्म आरआरआर के कलाकारों के साथ यानी कि रामचरण, जूनियर एनटीआर, आलिया भट्ट और अजय देवगन सहित नेटिजेंस का बहुत ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि उन्होंने 5 अलग अलग भाषाओं में कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जागरूकता फैलाई है। दोस्तों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसमें कई लोगों ने उनके ईमानदार प्रयास की सराहना की है। दूसरी ओर कुछ अति उत्साही प्रशंसकों को भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आरआरआर के अगले अपडेट के बारे में सेलेब से पूछताछ करते देखा गया, जिस पर टीम ने फिलहाल कोई रिप्लाई करना बेहतर नहीं समझा। खैर अब दोस्तों जिस बात ने नेटिजन्स का सबसे ज्यादा ध्यान भटकाया है वो है सोशल मीडिया पर चल रही नई अफवाहें। आश्चर्य है कि ये क्या है। जाहिर है टीम वर्तमान में आरआरआर के एक बड़े अपडेट पर काम कर रही है।
जो भारत की 75th स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त 2021 के अवसर पर जारी किया जाएगा। हालांकि कंटेंट के बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है। अब वह है कि रामचरण जूनियर NTR स्टार का साथ में विशेष टीजर इस दिन रिलीज हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्य अभिनेता जूनियर NTR का 38वां जन्मदिन सिर्फ एक सप्ताह दूर है और इसके लिए संभावित टीजर रिलीज से पहले एक और बड़े अपडेट की उम्मीद के साथ जारी किया जा सकता है। 1920 के पूर्व स्वतंत्र भारत की पृष्ठभूमि में सेट RRR दो महान स्वतंत्रता सेनानियों यानी कि अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की कहानी बताएगी, जिन्हें रामचरण और जूनियर NTR द्वारा निभाया जाएगा। RRR वर्तमान में 13 अक्टूबर 2021 को 5 भाषाओं में यानी कि तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होने वाली है। अब दोस्तों महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए बहुत सारे फिल्म निर्माता और वितरक इस बात पर पुनर्विचार कर रहे हैं कि क्या एक थिएट्रिकल रिलीज का इंतजार करना है या एक OTT रिलीज का विकल्प चुनना है। ऐसी अटकलें हैं कि RRR कई दक्षिण फिल्मों की तरह OTT रिलीज का विकल्प चुन सकती है, लेकिन ऐसी सभी अफवाहों को खारिज करते हुए जूनियर NTR ने कहा कि निर्माता अभी भी एक थियोरेटिकल रिलीज के लिए ही तैयार हैं। RRR में भीम की भूमिका निभाने वाले जूनियर NTR ने बताया दोस्तों कि RRR को कभी भी OTT रिलीज के लिए नहीं मनाया गया था। कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें बड़े पर्दे पर एक समुदाय के रूप में आनंद लेने की आवश्यकता है। क्या आप OTT पर बाहुबली या जुरासिक पार्क या एवेंजर्स देखने का आनंद ले सकते हैं? नहीं, हमने ऐसा करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। हम सिनेमा घरों की प्रतीक्षा करने को तैयार थे। हमारे पास आशा की एक किरण है। हम जानते हैं कि लोग फिल्में देखने के लिए वापस आएंगे। फिल्म इंडस्ट्री भारत का एक अभिन्न अंग है। हम दर्शकों के उत्साह को बहुत गंभीरता से लेते हैं। RRR एक ऐसी ही फिल्म है। दोस्तों इसके अलावा जूनियर NTR यानी तारक का मानना है कि RRR के पैमाने कलाकारों और कहानी में दर्शकों को और सिनेप्रियो को सिनेमाघरों तक वापस लाने की शक्ति है। उनका मानना है कि बाहुबली की तरह SS राजमौली की RRR एक बड़ी हिट में बदल सकती है। अब दोस्तों तारक ने हाल ही में खुलासा किया कि फिल्म को बड़े पर्दे के अनुभव के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें कोई एक्शन सीक्वेंस है जो दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल होंगे। अभिनेता ने RRR के हर एक्शन सीक्वेंस को दर्शकों की वाह लूटने और उन्हें अपनी सीट पर खड़ा कर देने के लिए डिजाइन किया गया है। अब दोस्तों RRR को एक पीरियड ड्रामा कहा जा रहा है और ये तो वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों यानी कि भीम और अल्लूरी सीताराम राजू के काल्पनिक कारनामों के इर्द गिर्द घूमती है। जनता के राज अभिनेता आदिवासी नेता की भूमिका निभाएंगे, जबकि रामचरण सीताराम राजू की भूमिका निभाते नजर आएंगे। धारणा के विपरीत ये देशभक्ति की कहानी नहीं है और न ही ये स्वतंत्रता संग्राम के इर्द गिर्द घूमता है। तो दोस्तों फिल्म की फॉरेनर अभिनेत्री डेजी एडगर जॉन्स को फिल्म का हिस्सा बनना था, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से उन्हें फिल्म को छोड़ना पड़ा। इस बीच तारक वर्क फ्रंट पर काफी व्यस्त नजर आए। बड़े पैमाने पर RRR को लपेटने के बाद एक फिल्म के लिए पुरातला शिवा के साथ मिलकर वो काम करेंगे। फिल्म को एक राजनीतिक ड्रामा बताया जा रहा है और इसमें उन्हें एक नए अवतार में दिखाया जा सकता है। अब दोस्तों जूनियर NTR को त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ भी काम करना था, लेकिन रचनात्मक मतभेदों के कारण ऐसा नहीं हो सका। बिजनेस एलिमेंट्स के साथ एक पैन इंडिया फिल्म के तौर पर उनके पास KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील की भी एक फिल्म है। उम्मीद की जा रही है कि फिल्म निर्माता KGF चैप्टर 2 और प्रभास स्टार सलार को पूरा करने के बाद ही इसकी शूटिंग शुरू करेंगे। अब दोस्तों ऐसी चर्चा भी है कि दक्षिण के स्टार अभिनेत्रियों में से एक कियारा आडवाणी RRR अभिनेता के साथ अनटाइटल्ड फिल्म में रोमांस करने जा रही हैं। कुरातला के साथ स्टार डीवा की ये दूसरी फिल्म होगी, जिन्होंने उन्हें महेश बाबू की भारत आने नेनू में कास्ट किया था। तो दोस्तों ये फिल्म हिंदी में भी रिलीज होगी। कियारा को गुड न्यूज जैसी हिंदी फिल्मों के लिए जाना जाता है। इसी तरह आने वाले महीनों में आपको विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर में अनन्या पांडे के साथ, जबकि आलिया भट्ट और अजय देवगन रामचरण और जूनियर NTR के साथ RRR में दिखाई देंगे। प्रभास, कृति सैनन और सैफ अली खान आदि पुरुष में सह कलाकार हैं और प्रभास एक अनाम फिल्म में अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण के साथ काम करने वाले हैं। यानी नॉर्थ और साउथ की इन जोड़ियों में एक बार फिर रेस होने वाली है। अब आप कौन सी फिल्म को सपोर्ट करने वाले हैं, हमें जल्दी से यहाँ ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया कभी सोचा। कि ब्रिटिश हुकूमत को
उसकी जड़ों से ही हिला दे। फैंस को क्यों लगा फिल्म आरआरआर का टाइटल अजीब? रामायण नहीं है तो राम सीता क्यों? क्या एक बार फिर राजा मौली की मेहनत पर गिरने वाला है पानी? जीत खुशी कामयाबी किसे नहीं पसंद, कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। बस आज इसी जायज लड़ाई के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जीतना शायद सबसे ज्यादा जरूरी था। उस जीत से हजारों लोगों की खुशी और जिंदगी जो जुड़ी थी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉलीग्रास स्टूडियोज में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिल्म आरआरआर की। ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म बाहुबली के निर्देशक SS राजा मौली की अपकमिंग फिल्म आरआरआर से साउथ के सुपरस्टार रामचरण तेजा का लुक रिलीज किया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर क्यों समय समय पर फिल्म के पोस्टर और टीजर को मेकर्स अलग अलग करके लॉन्च करते हैं? तो आपको बता दें, ऐसा इसीलिए होता है ताकि लोगों के बीच उस फिल्म को लेकर उत्साह बना रहे और क्रिटिसाइज करने का भी लोगों को पूरा मौका मिले। फिल्म को ट्रोल करना फिल्म की पब्लिसिटी में काफी जरूरी होता है। अब जो फिल्म का तेजा का पोस्टर जारी हुआ था, तो बता दें कि फिल्म में तेजा भगवान श्री राम का किरदार निभाते नजर आएंगे और आलिया भट्ट इस फिल्म में सीता का रोल प्ले करती दिखाई पड़ेंगी। लेकिन ये फिल्म कोई रामायण थोड़ी है, तो फिर राम सीता क्यों? तो इसका जवाब खुद तेजा ने ही दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फिल्म का पोस्टर शेयर किया। उन्होंने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, बहादुरी गौरव और प्रतिष्ठा, एक शख्स जो इस सबको परिभाषित करेगा। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये किरदार निभाने को मिला। पोस्टर में तेजा बड़े बालों और दाढ़ी मूंछ के साथ मस्कुलर अंदाज में नजर आ रहे हैं। उन्होंने सन्यासियों वाला वेश ले रखा है और तीर धनुष के साथ नजर आ रहे हैं। अब आपको ये जानकर अजीब लगेगा कि इन दोनों ही किरदारों का नाम ही बस राम सीता होगा, बाकी इसमें कोई रामायण नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है, इसलिए इन दोनों किरदारों का नाम राम और सीता रखा गया है। साथ ही फिल्म का टाइटल आरआरआर बहुत से फैंस को अजीब लगा, क्योंकि फैंस को नहीं पता था कि ऐसा नाम राजा मौली ने आखिर क्यों रखा। तो क्योंकि ये एक अपने अधिकारों को याद दिलाने और उनको छीनने के ऊपर बनी फिल्म है, इसीलिए इसका नाम आरआरआर रखा गया। आपको बता दें, इस टाइटल का फुल फॉर्म है राइज रोर रिवोल्ट, यानी उठो दहाड़ो और बदला लो। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन भी नजर आने वाले हैं। अजय फिल्म में साउथ के सुपरस्टार जूनियर NTR के साथ काम करते नजर आएंगे। SS राजा मौली के निर्देशन में बनी इस फिल्म का प्रोडक्शन DVV दानिया ने किया है। जहां तक फिल्म की रिलीज डेट की बात है, तो इसी साल 13 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी, अगर तब तक दुनिया के हालात ठीक रहे तो। हालांकि कोविड के चलते लगातार देश में खराब हो रहे हालातों के चलते कुछ फैंस ये भी कयास लगा रहे हैं कि संभव है कि फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज किया जाए। खैर, आपको क्या लगता है, क्या कोविड एक बार फिर से पानी फेरेगा राजा मौली की मेहनत पर? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज क्या है RRR नाम के पीछे की पूरी कहानी, क्यों SS राजा मौली की फिल्म की कास्ट और प्लॉट से भी ज्यादा फिल्म के टाइटल में लोगों की दिलचस्पी दिख रही है। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। फेमस डायरेक्टर SS राजा मौली की मोस्ट अवेटेड फिल्म RRR की हर एक अपडेट के लिए दर्शक बेताब है। यह एक पीरियड एक्शन फिल्म है जो भारत के लोकली संग हीरोज अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्होंने ब्रिटिश राज और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। फिल्म में रामचरण जूनियर, NTR, अजय देवगन और आलिया भट्ट लीड रोल में होंगे, तो वहीं रे स्टीवेंसन, एलिसन जूडी और ओलिविया मॉरिस अहम किरदार में। मूवी को 10 लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा, जो अपने में ही बहुत बड़ी बात है। जाहिर है फिल्म को लेकर लोगों के बीच एक्साइटमेंट तो रहेगी ही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म का वह कौन सा पहलू है जिसे लेकर फैंस सबसे ज्यादा क्यूरियस हैं? फिल्म का पूरा नाम यानी कि इस RRR की फुल फॉर्म। वैसे अभी तक तो आपको ये पूरा नाम जान ही गए होंगे, लेकिन क्या आपको इस नाम के पीछे छिपे कारण के बारे में जानकारी है?
नहीं तो हम बता दें, लेकिन उसके लिए आपको हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। दरअसल जब से फिल्म की अनाउंसमेंट हुई, लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई कि आखिर ये RRR क्या है। कई गैस किए गए जिसमें सबसे पॉपुलर था रघुपति राघव राजा राम। जी हाँ, पहले RRR का पूरा नाम यही बताया जा रहा था, फिर आखिरकार राजा मौली ने अपने मोशन पोस्टर के साथ इस रहस्य से पर्दा उठाया कि इसका मतलब है राइज रोर रिवोल्ट। इस पोस्टर कैप्शन में लिखा है, जब विपरीत शक्तियां आग और पानी एक साथ आती हैं तो आपको एक तीव्र ऊर्जा मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि RRR का हमेशा से ही मतलब राइज रोर रिवोल्ट नहीं था, बल्कि जूनियर NTR ने हाल ही में दिए अपने इंटरव्यू में खुलासा किया कि ये तो फिल्म के तीन अहम लोगों के नामों को जोड़कर बना था, राजा मौली, रामा राव और रामचरण, जिसके बाद ये इतना पॉपुलर हुआ कि राजा मौली ने इसे RRR को ही अपने फिल्म के टाइटल के रूप में चुन लिया और इसे फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में ढालने के लिए इसे राइज रोर रिवोल्ट बना दिया। अब इस नाम से ही इतना तो तय हो जाता है कि उदय, विद्रोह और दहाड़ का ये नजारा शानदार होने वाला है। अब मल्टी स्टारर फिल्म RRR बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल कर पाती है, वो तो देखने वाली बात होगी। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि फिल्म के लिए एब्रिविएटेड नाम आपको कैसा लगता है, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, साथ ही फिल्मी दुनिया से ऐसी ही खबरें। क्या अजय देवगन नहीं निभाने वाले हैं RRR में विलेन का किरदार? वो कौन सी देशभक्ति की फिल्म है जिसे देखकर रो पड़े थे दर्शक? क्या आलिया भट्ट की वजह से ट्रोल हो सकती है उनकी फिल्म? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करें आज की ये वीडियो। 2 अप्रैल को अजय देवगन के जन्मदिन के मौके पर अजय ने अपने फैंस को एक तोहफा दिया था। अजय ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की थी जिसमें उनकी आने वाली फिल्म RRR का पहला लुक दिखाई दिया था। फिल्म के इस लुक में वो बेहद दमदार नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में अजय को बंदूक ताने अंग्रेजों की फौज ने घेरा हुआ है, पीछे से आवाज आ रही है लोड एंड शूट। अजय के लुक से पर्दा हटता है तो दिखाई देता है कि उनके माथे से खून निकल रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए अजय ने राजा मौली को धन्यवाद भी कहा। निर्माता DVV दान्य, निर्देशक राजा मौली, अभिनेता रामचरण और जूनियर NTR ने जब प्रेस से मुलाकात की और खुलासा किया कि बॉलीवुड निर्देशक अभिनेता अजय देवगन भी इस फिल्म का हिस्सा होंगे, तब एक पत्रकार ने पूछा था कि क्या वो एक विलेन का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, तो राजा मौली ने इस खबर की कोई भी पुष्टि करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि हाल ही में संजय दत्त जहां KGF में विलेन की भूमिका में नजर आएंगे, तो सोनू सूद भी अपकमिंग फिल्म आचार्य में नेगेटिव किरदार निभाते नजर आने वाले हैं। वही आपको बता दें कि बॉलीवुड का खूबसूरत सितारा नील नितिन मुकेश टॉलीवुड फिल्मों के प्रसिद्ध विलेन हैं। उन्होंने साहो में पैन इंडिया स्टार प्रभास के साथ और कवचम फिल्म में युवा नायक बेलमकोंडा श्रीनिवास के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया है। यहाँ तक कि वर्सेटाइल अभिनेता मनोज बाजपाई ने भी एक तेलुगु फिल्म में काम किया। उन्होंने अल्लू अर्जुन की हैप्पी फिल्म में एक प्रमुख किरदार निभाया और इस फिल्म में एक नाराज पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई। शायद बॉलीवुड के सितारों को साउथ में नेगेटिव रोल्स ही निभाते देख मीडिया ने ये सवाल टीम से किया। फिल्म में अजय देवगन की पहले जहां शहीद भगत सिंह के किरदार को निभाने की अफवाहें आ रही थी, तो अब खुलासा हुआ है कि इस फिल्म में उनका किरदार जूनियर NTR और रामचरण के किरदारों कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू के गुरु के तौर पर होगा, जिनसे उनकी मुलाकात दिल्ली शहर में होगी। शुरुआत में अजय देवगन का फिल्म से जुड़ने पर काफी संदेह बताया जा रहा था। हालांकि स्क्रिप्ट सुनकर उन्होंने फिल्म से जुड़ने का फैसला कर लिया था, वह निश्चित नहीं थे क्योंकि उनका स्क्रीन स्पेस काफी कम बताया जा रहा था।
ये लगभग एक एक्सटेंडेड कैमियो की ही तरह है और वह इसे करने के बारे में कंफर्म नहीं थे, लेकिन राजामौली द्वारा स्टोरी नरेशन के बाद वे काफी उत्साहित हो गए। अजय का अपने फिल्म में किरदार के बारे में ये कहना था कि उनका किरदार 2002 की उनकी फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में उनके राष्ट्र पुरस्कार विजेता प्रदर्शन को याद दिलाएगा। आरआरआर और लेजेंड ऑफ भगत सिंह के अलावा अजय ने 2005 की एक्शन फिल्म टैंगो चार्ली में भी देशभक्त सैनिक की भूमिका बखूबी निभाई थी, लेकिन जब बात देशभक्ति की फिल्मों की आती है तो कुछ फिल्में जैसे बॉर्डर, नाना पाटेकर की क्रांति, सनी देओल की माँ तुझे सलाम, हीरो और गदर और आमिर खान की रंग दे बसंती, अक्षय कुमार की केसरी, तो जॉन अब्राहिम की सत्यमेव जयते और विकी कौशल की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ऐसी फिल्में हैं जो हमारे अंदर के देशभक्त को बाहर ले आती है। लगभग 400 करोड़ रुपए के विशाल बजट में निर्मित आरआरआर 10 भारतीय भाषाओं में जारी की जाएगी। फिल्म में अजय देवगन के अलावा आलिया भट्ट भी पहली बार एसएस राजामौली के साथ काम करने जा रही हैं। आलिया ने इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ हासिल कर लिया है जो वाकई काबिले तारीफ है। उनकी फिल्मों की बात करें तो उन्होंने भी मेघना गुलजार की फिल्म राजी में एक काफी चौंका देने वाला किरदार सहमत हमें दिया है, जिसके लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है, खुद वो भी नहीं। लेकिन क्या फिल्म आरआरआर में भी वो ऐसे ही सिपाही का किरदार या एक्शन करते नजर आएंगी? उनके साड़ी वाले लुक को देखकर तो कहानी कुछ और ही बताती है। हालांकि खबर मिली है कि फिल्म में आलिया रामचरण के ऑपोजिट एक लव एंगल पेश करेंगी और अभिनय के अलावा आलिया फिल्म के हिंदी गानों में भी अपनी आवाज देंगी। और आपको अगर नहीं पता तो बता दे कि आलिया सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि अपने सह कलाकार अजय देवगन की ही तरह फिल्म निर्माण में भी हाथ आजमाने जा रही है। अजय देवगन के पिता वीरू देवगन मशहूर एक्शन डायरेक्टर रह चुके हैं और अपने पिता को कैमरा के पीछे देख अजय में भी फिल्म से जुड़ी चीजों की और रुचि विकसित हुई, इसलिए उन्होंने अभिनय के बाद डायरेक्शन में भी हाथ आजमाने का सोचा और उनकी पहली फिल्म थी यू मी और हम, जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया। साथ ही में उनके ऑपोजिट उनकी धर्म पत्नी काजोल ने भी इस फिल्म में एक्टिंग की। ये फिल्म 2004 की अंग्रेजी भाषा की फिल्म 51st Dates का हिंदी वर्जन बताई गई। इसके बाद अजय की फिल्म शिवाय ने सबकी नजरें अपनी ओर खींची। हालांकि फिल्म का रिस्पांस उतना खास नहीं रहा, लेकिन फिल्म का डायरेक्शन और लोकेशन काफी बेहतरीन थी। साथ ही साथ अब आपको बता दें कि जल्द ही आलिया भट्ट भी एक डार्क कॉमेडी फिल्म लेकर उस पर फेमिनिस्ट का काला टीका लगाकर अपने प्रोडक्शन हाउस इंटरनल सनशाइन से पहली फिल्म रिलीज करने को तैयार है, जिसमें वो अभिनय भी करती नजर आएंगी। फिल्म का टाइटल भी काफी रोमांचक और सेसी है, जो कि है डार्लिंग्स। फिल्म के नाम से ही बहुत सारी अमीरजादियों की खुशबू आ रही है जो कि दूर किसी बीच पर चिल कर रही है। फिल्म की थीम काफी हद तक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और दिल धड़कने दो जैसी होगी। बस एक चीज जो हटकर होगी वो है फिल्म में डार्क कॉमेडी। डार्क कॉमेडी में अक्सर आपको कुछ ऐसी अनजानी ट्रू इंसिडेंट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि उस कॉमेडी को डार्क बना देते हैं, और ये चीज शायद फिल्म को ट्रोल या क्रिटिक्स के निशाने पर भी ला रखे। आलिया को आरआरआर की सीता से डार्लिंग्स की गीता में तब्दील होते देखना काफी रोमांचक होने वाला है। वही क्या आप तैयार हैं एक फेमिनिस्ट डार्क कॉमेडी फिल्म के लिए? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और तूफानी समंदर भी जिसके आगे खामोश हो जाए, हर सरताज जिसके आगे सर झुकाए, धरती की जाती का लाल बाहों में ताकत आंखें जैसे बाज, जंगल का दुलार का अहंकार।
ये संघर्ष खून मांगता है, खून। खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं है बिस्मिल साहब। क्या फिल्म RRR की लॉन्च पार्टी में दिखाई थी बाहुबली की कास्ट? कैसा था ये नजारा? फिल्म RRR के बिहाइंड द सीन शॉट से आखिर क्या कुछ पता चलता है हमें इस फिल्म के बारे में? किस तरह मणिकर्णिका के बाद एक्शन डायरेक्टर निक पॉवेल अचंभित रह जाएंगे फिल्म RRR से जुड़कर? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में। तो देखिए, अपकमिंग पीरियड वॉर ड्रामा फिल्म RRR के लिए क्या आप सभी काफी उत्साहित हैं? तो आज हम खास आप ही के लिए लाए हैं फिल्म के कुछ चटपटे बिहाइंड द सीन्स शॉट्स। सबसे पहले तो बता दें कि RRR यानी राइज रोड रिवोल्ट, जिसे 10 भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी है फिल्म के डायरेक्टर SS राजा मौली की। जी हाँ, ये फिल्म 2015 में आई धमाकेदार ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म बाहुबली के डायरेक्टर की ही अगली पेशकश है। तभी तो आप और हम तब से इस फिल्म का काफी इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में रामचरण और जूनियर NTR मुख्य भूमिकाओं में हैं, जिन्हें तेलुगु सिनेमा इंडस्ट्री के कुछ ऐसे अभिनेताओं में गिना जाता है जो बॉलीवुड के शाहरुख सलमान की जोड़ी को टक्कर देने में सक्षम है। फिल्म की बात की जाए तो फिल्म के बिहाइंड द सीन्स शॉट्स YouTube पर DVV एंटरटेनमेंट द्वारा अक्टूबर 2020 से ही जारी किए गए थे। फिल्म को DVV एंटरटेनमेंट द्वारा ही बैंक रोल किया गया है और माना जा रहा है कि जिस तरह यशराज फिल्म्स ने बाहुबली के हिंदी संस्करण को हिंदी भाषा जनता के लिए उतारा था, इस बार भी करण इसी तैयारी में है। और होंगे भी क्यों नहीं, फिल्म में उनकी फिल्मी बेटी यानी कि आलिया भट्ट जो है। जी हाँ, इस फिल्म को पैन इंडिया बनाने के लिए इसमें फिल्म KGF की ही तरह बॉलीवुड के सितारे भी शामिल किए जा रहे हैं। मानो ये एक ट्रेंड ही बन गया है। अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म ब्रह्मास्त्र में अक्कीनेनी नागार्जुन को शामिल किया जा रहा है। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की भी आगमी फिल्म मिशन मजनू की लैला कन्नड़ सुंदरी रश्मिका मंदाना होने वाली है। वहीं फिल्म RRR में जहां आलिया भट्ट के साथ अजय देवगन भी नजर आएंगी, और अजय से जुड़ा एक खास कमेंट जो सोशल मीडिया में देखा गया वो ये है कि इस फिल्म में जहां रामचरण फायर एलिमेंट को दर्शा रहे हैं और जूनियर NTR वाटर एलिमेंट को, तो वही कहा जा रहा है कि इसमें अजय अर्थ एलिमेंट को दर्शा रहे हैं। फिलहाल फिल्म से जुड़े हालांकि मोशन पिक्चर्स ही सामने आए हैं, लेकिन DVV एंटरटेनमेंट ने फिल्म के व्लॉग्स पार्ट अपने यूट्यूब चैनल पर जारी किए हैं। तो चलिए जान लेते हैं क्या कुछ खबरें हासिल की है हमने इन वीडियोस के जरिए। क्या आपने RRR से जुड़ा लॉन्च वीडियो देखा है? आपको बता दें कि ये लॉन्च वीडियो देखने में तो काफी सादा था, लेकिन देखने में भले ही ऐसा लगा हो, लेकिन ऐसा था बिल्कुल नहीं। इसमें साउथ के दिग्गज कलाकारों ने अपनी शिरकत दी थी, जिसमें फिल्म के सितारे रामचरण के पिता चिरंजीवी सबसे पहले शामिल होते हैं। आप इस वीडियो में डायरेक्टर राजा मौली को काफी सरल और बिना किसी दिखावे के देख सकते हैं। साथ ही साथ इस लॉन्च पूजा में उनकी पत्नी रमा राजामौली भी उनके साथ थी। इसके बाद वीडियो में नजर आए रामचरण और जूनियर NTR, और साथ ही इस पूजा के लिए डायरेक्टर के करीबी दोस्त कहे जाने वाले अभिनेता प्रभास और राणा दुग्गापती भी इस पूजा का हिस्सा थे। ये पहली बार होगा जब तेलुगु सिनेमा के चार बड़े अभिनेता के साथ इंडस्ट्री के खिलाड़ी डायरेक्टर की जोड़ी देखी गई हो। आपको बता दें कि इस पूजा में किसी भी तरह से ये प्रतीत नहीं हो रहा था कि कोई भी किसी दिखावे का आदि है। आम पहनावा, आम रवैया, बॉलीवुड के अभिनेताओं की तरह नहीं कि किसी की मैयत में भी काले चश्मे लगा कर जाए। डायरेक्टर ने फिल्म का लॉन्च भगवान के सामने नारियल फोड़कर किया और क्लैपर बोर्ड से चिरंजीवी द्वारा फिल्म का उद्घाटन किया गया। इसके बाद एक बिहाइंड द सीन्स वीडियो शेयर की गई, जिसमें कई खाकी वर्दी में लोग नजर आए। ये लोग अंग्रेजों के जमाने के जेलर की तरह दिखाई दे रहे थे। ये वीडियो करीबन एक मिनट की ही थी और जंगल के बैकग्राउंड में शूट की जा रही थी, और इसमें ढेर सारे खाकी वर्दी वाले सपोर्टिंग एक्टर्स भी नजर आ रहे थे। इसके अलावा फिल्म का इसी से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया, जिसमें सफेद वर्दी में कुछ अंग्रेज नजर आए, तो कुछ भारतीय भी इस सफेद वर्दी में दिखाई दिए।
जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आरआरआर ब्रिटिश राज के खिलाफ हमारे स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू और कोमराम भीम की लड़ाई है, जिसे रामचरण और जूनियर एनटीआर द्वारा फिल्म में निभाते दिखाया जाएगा। तो हो सकता है कि ये उसी को लेकर किया गया हो शूट। वही फिल्म से जुड़े बिहाइंड द सीन वीडियो से क्या कंक्लूजन निकाला है आपने, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर है सिमरन रावत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक शोला है दहकती आग का, थार जैसी नंगी तलवार का। वक्त आ गया है मारने या मर जाने का। उठाओ अपनी बंदूकें और लड़ो, लड़ो अपनी आजादी के लिए, लड़ो एक बार अपने आप के लिए। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीगार्ड स्टूडियोज और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मेहरा। आज मैं बात करूंगी ट्रिपल आर यानी कि रघुपति राघव राजा राम फिल्म के बारे में, जो कि 13 अक्टूबर 2021 में रिलीज होगी। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि यह फिल्म 8 जनवरी 2021 को रिलीज होनी थी, पर कोरोना की वजह से इस डेट को आगे बढ़ा दिया गया था। इस फिल्म की खास बात यह है कि इस फिल्म में पहली बार अजय देवगन, आलिया भट्ट, रामचरण और एंटी रमा राव जेआर नजर आएंगे। यह एक तेलुगु फिल्म है जिसमें आलिया भट्ट भी नजर आएंगी, जिसे देखना अपने आप में काफी दिलचस्प होगा। वैसे इस फिल्म के मोशन पोस्टर तो आपने देख ही लिए होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की घोषणा 2017 में ही हो गई थी, जब बाहुबली 2 रिलीज हुई थी, और साथ ही 2018 में इस फिल्म के लिए रमा राव और रामचरण का नाम भी घोषित कर दिया गया था। इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आलिया भट्ट रामचरण के अपोजिट पेयर रोल में नजर आएंगी, तो वहीं ब्रिटिश एक्ट्रेस रमा राव के अपोजिट पेयर में दिखाई देंगी। इसके अलावा इस फिल्म में कई कैरेक्टर हैं जिसके लिए हॉलीवुड स्टार्स को लिया गया है। वैसे क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए राजा मौली को आइडिया कहाँ से मिला था? अगर नहीं तो चलिए मैं बता देती हूँ कि मार्च 2019 में राजा मौली ने बताया था कि उन्हें ट्रिपल आर फिल्म के लिए आइडिया द मोटरसाइकिल्स डायरी से मिला था। क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की कुल लागत 350 से 400 करोड़ रुपए तक है? जी हाँ, इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि रमा राव ने डेडलाइन हॉलीवुड में इंटरव्यू देते हुए कहा था कि उन्होंने इस फिल्म के लिए लगभग 18 महीने की ट्रेनिंग भी ज्वाइन की थी। वैसे फिल्म के किरदारों के बारे में तो हमने काफी बातें कर ली, पर अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको जरा गौर से सुनिएगा। जी हाँ, इस फिल्म से जुड़ा एक नया अपडेट जिसे सुनकर आपके चेहरे से हंसी गायब हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 14 मई को एक न्यूज पोस्ट की गई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि इस फिल्म की रिलीजिंग डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने उस न्यूज में ये भी लिखा था कि इस फिल्म की नई डेट को 20 मई को घोषित किया जाएगा। मैं जानती हूँ कि आपको यह सुनकर काफी शॉक लगा होगा, लेकिन अगर यह खबर सही है तो ऐसा चौथी बार होगा कि जब इस फिल्म की रिलीजिंग डेट को आगे बढ़ाया जाएगा। वैसे मेरी एक और बात सुनिए, क्या आपको पता है कि इस फिल्म से जुड़े किस अभिनेता का बर्थडे 20 मई को आता है? अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, ये तो हम सबको पता ही है कि इस समय कोरोना ने भारत को किस तरह से अपना शिकार बनाया है, पर क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के अभिनेता रमा राव की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद रमा राव ने अपने ट्विटर में एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं ठीक हूँ और अपने घर पर ही आइसोलेशन में हूँ। हमारी भी यह दुआ है कि देश अथवा विश्व को जल्द ही कोरोना संक्रमण से छुटकारा मिले। जब तक आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए। साथ ही
कहा जाता है अल्लूरी सीताराम राजू को स्वतंत्रता संग्राम का गुमनाम नायक। क्या सच में दिखाई जाएगी 1940 की रियल लाइफ फिल्म में? राजमौली क्या करने जा रहे हैं, कोई हिमाकत का काम? आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म RRR की। आपको बता दें ये फिल्म कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि इसमें दो महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी दिखाई जाएगी। अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजमौली कहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भारतीय फिल्मों ने आज तक उनके जीवन का संघर्ष दिखाया है, जबकि वे दास्तां के खिलाफ लड़े। वनवासियों की आज़ादी प्यारी होती है और उन्हें किसी बंधन में जकड़ा नहीं जा सकता। इन्हीं वनवासियों ने सबसे पहले जंगलों से ही विदेशी आक्रांताओं एवं दमनकारियों के विरुद्ध संघर्ष किया था। ऐसे ही महान क्रांतिकारी हुए हैं अल्लूरी सीताराम राजू। स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा मौका होता है जब हम हमारे देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने और कुर्बान होने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। दरअसल हम उन्हें याद नहीं करते, वे तो हमारे ज़हन में सदियों से नक्श हैं, क्योंकि इन लोगों के बारे में हमेशा लिखा पढ़ा जाता रहा है। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र होते ही कई नाम हमारे जहन में आ जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनका योगदान किसी से कम नहीं, लेकिन फिर भी वे हमारे लिए बेनाम बेचेहरा बने हुए हैं। प्रकृति प्रेमी वनवासी क्रांतिकारियों की लंबी श्रृंखला है, कई परिदृश्य में छाए रहे और कई अनाम रहे। ऐसे ही महान क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू रहे। उनका जन्म 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम जिले के पांड्रिक गाँव में हुआ। उनके पिता अल्लूरी वेंकट राम राजू ने बचपन से ही सीताराम राजू को ये बताकर क्रांतिकारी संस्कार दिए कि अंग्रेजों ने ही हमें गुलाम बनाया है और वे हमारे देश को लूट रहे हैं। सीताराम राजू के जहन में पिता की ये बात घर कर गई। राजू के क्रांतिकारी साथियों में बिरैया दौरा का नाम भी आता है, जिनका अपना अलग वनवासी संगठन था। इस संगठन ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा था। अंग्रेज बिरैया दौरा को फांसी पर लटका देते, लेकिन तब तक सीताराम राजू का संगठन बहुत बलशाली था। पुलिस राजू से थरथर कांपती थी, वो ब्रिटिश सत्ता को खुलेआम चुनौती देता था। सीताराम राजू के संघर्ष और क्रांति की सफलता का एक कारण ये भी था कि वनवासी अपने नेता को धोखा देना, उनके साथ विश्वासघात करना नहीं जानते थे। कोई भी सामान्य व्यक्ति मुखबिर या गद्दार नहीं बना। आंध्र के रंपा क्षेत्र के सभी वनवासी राजू को भरसक आश्रय आत्मसमर्थक देते रहते थे। स्वतंत्रता संग्राम की उस बेला में उन भोले भाले बेघर नंगे बदन और सर्वहारा समुदाय ने अंग्रेजों के कोड़े खाकर भी राजू के खिलाफ मुखबरी नहीं की। सीताराम राजू गुरिल्ला युद्ध करते थे और नलई मल्लई पहाड़ियों में छुप जाते थे। गोदावरी नदी के पास फैली पहाड़ियों में राजू व उसके साथी युद्ध का अभ्यास करते थे और आक्रमण की रणनीति बनाते थे। ब्रिटिश अफसर राजू से लगातार मात खाते रहे। आंध्र की पुलिस के नाकाम होने के बाद केरल की मालाबार पुलिस के दस्ते राजू के लिए लगाए गए। मालाबार पुलिस फोर्स से राजू की कई मुठभेड़ें हुई, लेकिन मालाबार दस्तों को मुंह की खानी पड़ी। इसी गुमनामी संघर्ष को बॉक्स ऑफिस की स्क्रीन पर दिखाने का बेड़ा राजमौली ने अपनी मूवी RRR में उठाया है, जो दशहरा के मौके पर रिलीज होगी। आप इस मूवी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? कौन है कोमाराम भीम, क्यों एक ऐतिहासिक महापुरुष बन सकते हैं, RRR की सक्सेस और फेलियर दोनों की ही वजह। स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। SS राजमौली की अपकमिंग RRR के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। ये पीरियड ड्रामा एक्शन फिल्म साउथ के दो फ्रीडम फाइटर सीताराम राजू और कोमाराम भीम की फिक्शनल कहानी को बयां करेगी। अब सीताराम राजू की कहानी तो अपनी पिछली वीडियो में हम आपको बता ही चुके हैं, तो आज हम कोमाराम भीम की शौर्य गाथा से आपको रूबरू करवाएंगे। इसे जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कोमाराम भीम हैदराबाद का वो नाम है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो एक ऐसी ज्वाला थे जिन्होंने पूरे आदिवासी समाज के दिलों में आज़ादी की आग जलाई। महापुरुष भीम का जन्म तेलंगाना स्टेट के जोधीघाट जिले में अलीदाबाद के जंगलों में बसे गोंडा आदिवासी समुदाय में 22 अक्टूबर 1901 को हुआ था। उस समय निजाम ऑफिसर्स का टॉर्चर सर से ऊपर जा चुका था। वो किसानों की सारी खेती इस बेसिस पर ले लेते कि जमीन उनकी है। जो उनकी बात नहीं मानते उनकी उंगलियां काट देते या फिर जान से मार देते।
ऐसे ही उन्होंने भीम के पिता को भी मार दिया जिन्होंने उनके सामने खड़े होने की हिम्मत की थी। और यहीं से शुरू हुआ कोमाराम भीम का क्रांतिकारी सफर। उन्होंने जल, जंगल और जमीन का नारा दिया, जिसका मतलब था कि वो आदमी जो जंगल में रहता है वही अपनी जिंदगी काटता है, उसे जंगल के सभी रिसोर्सेज पर पूरा हक होना चाहिए। भगत सिंह की मौत की खबर सुनने के बाद उनके इस विद्रोह ने हिंसक रूप ले लिया। उन्होंने कई सेम सोच रखने वाले युवाओं को मिलाकर अपनी सेना खड़ी की और निजामों के खिलाफ जंग छेड़ दी, वो भी गुरिल्ला वॉरफेयर तकनीक से। इस रिवॉल्ट के समय उन्होंने कई शहरों की यात्रा की और इसी बीच उन्होंने सीताराम राजू के बारे में सुना, जिनसे वो खूब इंस्पायर्ड हुए। वही सीताराम राजू जिनका फिल्म में कैरेक्टर रामचरण निभाने वाले हैं। रियल लाइफ में तो दोनों ने साथ में किसी खास मिशन पर काम नहीं किया था, पर फिक्शनल में शायद हमें इनकी तगड़ी बॉन्डिंग दिखने को मिले। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। धीरे धीरे निजामों में भीम का डर फैलने लगा। उन्होंने लालच देकर भीम को अपनी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन जिसको आजादी की भूख लग जाए उसे ये सोने चांदी कहाँ सुहाते हैं। आखिरकार भीम को मारने की साजिशें की जाने लगी, लेकिन वॉर तकनीक में स्किल्ड भीम और उनकी सेना को पकड़ पाना इतना आसान थोड़ी ही था, जिसके बाद निजामों ने वो तकनीक निभाई जो हमेशा से ही हमारे देश की हार का कारण रही है, घर का बेदी लंका ढाल। जी हाँ, सेना के ही एक आदमी ने अपने लोगों को धोखा दिया और भीम और उनकी सेना के छुपने की जगह का खुलासा कर दिया। पूरी सेना ने लास्ट ब्रेथ तक लड़ाई लड़ी, लेकिन उस दिन हैदराबाद का सूरज डूब ही गया और भीम मारे गए। और कोमाराम भीम अमर रहे, भीम दादा अमर है के नारों से सारे जंगल गूंज उठे। यही थी इस लेसर नोन महापुरुष की पूरी कहानी। जाहिर है इससे पहले कभी भी किसी भी डायरेक्टर ने इनकी कहानी को पर्दे पर दिखाने का डेयर नहीं किया, इसलिए इस बार ऐसा होता देख दक्षिण के लोग बेहद खुश हैं और भारत के बाकी हिस्सों के लोगों को भी एक और शहीद की कहानी का पता चलेगा, इसलिए फिल्म का हिट होना तो लगभग कंफर्म है। लेकिन फिल्म में ये किरदार निभा रहे जूनियर NTR का लुक शायद इस सक्सेस में बाधा बन सकता है। हालांकि इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि राजमौली का ये कदम न केवल एंटरटेनमेंट बल्कि एजुकेशनल पर्पस से भी इंडिया के फेवर में है। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको इस वीर की कहानी कैसी लगी, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को। आगामी फिल्म RRR अलग होगी अब तक की आई सभी देशभक्त फिल्मों से? क्या पक्षपात का शिकार हुई फिल्म की अभिनेत्रियां? किस ट्वीट को लेकर देखा गया दर्शकों में कंफ्यूजन? RRR को कथित तौर पर एक पीरियड एक्शन ड्रामा कहा जा रहा है, और अभिनेता ऐसे ही किरदार निभाते नजर आएंगे जो अतीत में शायद ही कभी किए गए हों। कहानी दो तेलुगु हस्तियों अल्लूरी सीतारामा राजू और कोमाराम भीम के जीवन पर आधारित है। रामचरण जहां सीताराम जी की भूमिका निभाएंगे, वहीं जूनियर NTR कोमाराम भीम का किरदार निभाएंगे। अल्लूरी और कोमाराम ने ब्रिटिश राज और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 1920 के दशक में सेट RRR दो महीने स्वतंत्रता सेनानियों अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम से प्रेरित है, जबकि राजू ने 1922 से 24 के रेम्पा विद्रोह का नेतृत्व किया था। भीम ने आसफ जाही राजवंश के शासन के दौरान हैदराबाद की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी। हालांकि फिल्म का प्लॉट इन क्रांतिकारियों का एक काल्पनिक खाता है, लेकिन यह कल्पना करना काफी पेचीदा होगा कि इन पात्रों का फिल्म निर्माताओं द्वारा कैसे चित्रित किया जाएगा। सबको फिल्म से काफी एक्सपेक्टेशंस थी कि फिल्म मणिकर्णिका के राइटर
के.वी. विजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है, जो फिल्म के डायरेक्टर राजमौली के पिता भी हैं और लेखक इस समय अपनी मल्टीलिंगुअल फिल्म सीता द इनकॉर्नेशन की कहानी लिखने में व्यस्त हैं। फिल्म आरआरआर ने मानो हर दिन नई खबरों से अपने पैर मार्केट में जमाए हुए हैं, जहां कुछ दिनों पहले टीम का मास्क पहनने को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आलिया तेलुगु भाषा में सबको घर में सुरक्षित रहने और मास्क लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आलिया का यह प्रयास काफी पसंद किया गया है, इससे हो सकता है कि उनके साउथ फैन बेस पर काफी प्रभाव पड़े। साथ ही एक खबर और चौंका देने वाली सामने आई है, जब आरआरआर के ऑफिशियल ट्विटर पेज से एक ट्वीट हाल ही में सामने आया। दरअसल ऐसी खबरें थी कि आरआरआर एक देशभक्ति फिल्म है, लेकिन निर्माताओं ने पुष्टि की कि फिल्म देशभक्ति फिल्म में नहीं है। चौंक गए ना आप भी यह सुनकर। फिल्म यूनिट ने पुष्टि की कि फिल्म पूरी तरह से काल्पनिक है। दरअसल आरआरआर टीम ने ट्वीट पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिस पर एक प्रशंसक ने कमेंट लिखा, इस तस्वीर का अर्थ है अल्लूरी सीताराम और कोमाराम भीम एक दूसरे से मिलते हैं और स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं। आरआरआर टीम ने उस फैन को जवाब देते हुए खुलासा किया कि वे मिलेंगे और निश्चित रूप से दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे, लेकिन जैसे कि आपने उल्लेख किया है कि वे फिल्म में स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ते हैं। #RRR मूवी पूरी तरह से काल्पनिक और बिल्कुल एक देशभक्त फिल्म नहीं है। यानी फिल्म तो दो स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर आधारित है, जो ब्रिटिश और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ आवाज उठाएंगे, लेकिन यह देश की स्वतंत्रता पर आधारित नहीं होगा। जहां देश 1947 में आजाद हुआ, तो फिल्म की स्टोरी लाइन स्थानीय 1920 की है, जब देश अंग्रेजों के अधीन था। यह भी आपको मालूम है, दोनों सेनानी दक्षिण निवासी जनजातीय समूह के रहने वाले थे और उनकी आजादी अपनी भूमि और अपने निजी हक के लिए थी। राजू और भीम के बारे में यह भी एक प्रचलित है कि दोनों को मौत के घाट उतारने के लिए एक बड़ी आर्मी उनके पीछे लगाई गई थी, जिस वजह से वो अपने क्षेत्र को छोड़कर भाग खड़े हुए, और जब वो दिल्ली पहुंचे तब वहां उनकी मुलाकात एक खास इंसान से हुई। ये खास इंसान उनके गुरु बनता है, जो फिल्म में अजय देवगन का किरदार होगा। फिल्म कई मामलों में एक आम देशभक्ति फिल्म से हटकर होगी, क्योंकि पहले तो यह असली किरदारों जो इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं उन पर आधारित एक क्रॉसओवर फिल्म है, जो पहले शायद ही भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमने देखा है, क्योंकि ऐसा करना, उन किरदारों के साथ छेड़छाड़ करना या इतिहास के साथ मजाक करना कहलाया जाता। लेकिन 2006 की फिल्म रंग दे बसंती ने ही शायद फिल्म मेकर्स को एक ऐसे प्लॉट भारतीय दर्शकों के सामने चालाकी से पेश करने की हिम्मत दी, जिसमें हिस्ट्री को मॉडर्नाइज करके दर्शकों को परोसा गया, और यह एक्सपेरिमेंट सबको पसंद भी आया, क्योंकि इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई थी किरदारों के साथ, बस किरदारों के तो अलग पहलू हमें दिखाई दिए गए। शायद ऐसा ही कुछ हमको फिल्म आरआरआर में देखने को मिल सकता है। ऐसे ही 2007 की फिल्म चक दे इंडिया इस लिस्ट का हिस्सा बन सकती है। शिवित अमीन की आइकॉनिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म भारतीय महिलाओं की हॉकी टीम की काल्पनिक कहानी है और रेसिज्म और सेक्सिज्म के रूप में विभिन्न बाधाओं के खिलाफ विश्व कप जीतने के लिए उनकी लड़ाई है। शाहरुख खान को फिल्म में कई तत्कालीन अज्ञात महिला चेहरे के साथ दिखाया गया, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 66 करोड़ रुपए और सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने के लिए राष्ट्र फिल्म पुरस्कार भी जीता। इसी तरह शाहरुख खान की ही फिल्म स्वदेश एक ईस्ट मीट वेस्ट का कॉम्बिनेशन लेकर साल 2004 में आई थी, हालांकि यह रवि कुंचिमांची और अरविंद की रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड थी और इसमें कई बदलाव करके इसे पेश किया गया। बात करें फिल्म आरआरआर की अभिनेत्रियों की, तो फिल्म से आलिया भट्ट और ओलिविया मोरिस का फर्स्ट लुक रिवील हो चुका है, और आपने अगर
राजमौली की बाहुबली और मगधीरा जैसी दूसरी पीरियड फिल्में देखी हो तो उन फिल्मों की अभिनेत्रियों के लुक काफी शाही और लार्जर देन लाइफ दिखाए गए, जबकि आरआरआर में सीता के किरदार में आलिया और जेनिफर के किरदार में ओलिविया काफी सिंपल नजर आए। खबरें तो यह भी थी कि फिल्म में अभिनेताओं के किरदार पर ज्यादा प्रकाश डाला जाएगा और इसी वजह से अभिनेत्रियों के किरदार उतने मजबूत नहीं हैं। वहीं आपका क्या कहना है इस पक्षपात पर? क्या यह फिल्म के प्लॉट की डिमांड थी या फिर साउथ सितारों के लिए राजमौली का प्यार? हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर और साथ ही हमारे चैनल आर 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 फिल्म की एक और कास्ट हुई कोरोना संक्रमित। किस तरह का फिल्म ग्राफ है फिल्म के अभिनेता जूनियर एनटीआर का? क्या आदि पुरुष के बाद आरआरआर में भी देखा जा सकता है रामायण का प्रभाव? मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। अल्लू अर्जुन, पवन कल्याण और पूजा हेगड़े के बाद अब साउथ के जाने माने अभिनेता जूनियर एनटीआर का भी कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। अभिनेता ने खुद के पॉजिटिव होने की जानकारी सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए दी। जूनियर एनटीआर ने पोस्टर शेयर करते हुए बताया कि वो और उनकी फैमिली इस समय होम आइसोलेशन में है और डॉक्टर्स के सुपरविजन में। जूनियर एनटीआर ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाया गया हूं। प्लीज चिंता करने की जरूरत नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूं। नंदमूरी तारक रामाराव, जिन्हें आमतौर पर जूनियर एनटीआर या तारक के रूप में जाना जाता है, तेलुगु अभिनेता राजनेता एनटी रामाराव के पोते हैं। वे खुद एक भारतीय अभिनेता और टेलीविजन व्यक्तित्व है जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म उद्योग में अपनी बेहतरीन फिल्मों के अभिनय के लिए जाने जाते हैं। जूनियर एनटीआर ने एडल्ट एक्टर के तौर पर 2001 में अपनी शुरुआत की थी तेलुगु भाषा की एक्शन मूवी स्टूडेंट नंबर 1 से। ये फिल्म प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय निर्देशक एसएस राजामौली की भी पहली फिल्म थी। कोविड-19 के दूसरे वेव ने एक बार फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सभी प्लान्स को कैंसिल कर दिया है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ इंडस्ट्री पर भी कोविड का असर पड़ चुका है। कई फिल्मों की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया। इस बीच खबर आ रही है कि पैन इंडिया फिल्म की 3 फिल्में KGF 2, पुष्पा और RRR की टीम ने फिल्मों की रिलीज डेट को आगे खिसकाने का प्लान भी कर लिया है। KGF 2 और पुष्पा को अक्टूबर में ही रिलीज का प्लान है, वहीं RRR को अगले साल जनवरी पर रिलीज करने का। सितंबर तक सिचुएशन ठीक हो सकती है, इसलिए अक्टूबर से लेकर जनवरी तक फिल्में थिएटर में रिलीज हो जाएंगी। आरआर की बात करें तो एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी ये फिल्म एक पीरियड ड्रामा है, जिसमें प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू के युवा दिनों का एक काल्पनिक वर्णन किया गया है। फिल्म में आलिया भट्ट, रामचरण, जूनियर एनटीआर और अजय देवगन लीड रोल में हैं। अजय और आलिया इस फिल्म से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर रही हैं। फिल्म के प्रमोशन और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए साथ में आई आरआरआर टीम ने एक वीडियो जारी किया, जिसने इन स्टार्स ने कोविड नियमों का पालन करने और वक्त पर वैक्सीन लगवाने पर जोर दिया है। कई बड़े सुपरस्टार्स के साथ यह एक पीरियड ड्रामा। की मुसीबतें, क्या और ज्यादा टल जाएगी आरआरआर की रिलीज डेट? स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। एसएस राजामौली की अपकमिंग मल्टीस्टारर और मल्टीलिंगुअल आरआरआर मानो वो पत्थर है जिसकी किस्मत में हर तरह से मार खाकर ही हीरा बनना लिखा है। तभी तो कभी मेकर्स को बोनी कपूर का गुस्सा झेलना पड़ता है, तो कभी नेताओं की धमकी, और इतना सहने के बाद भी जब फिल्म की रिलीज डेट नजदीक आने लगती है तो बढ़ते कोरोना केसेस उस पर भी ग्रहण लगा देते हैं। शायद इतना काफी नहीं था कि अब ये बड़ी मुसीबत भी फिल्म के सर आ गिरी है। ये क्या है और फिल्म पर क्या असर डाल सकती है, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। पर अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जैसा कि आप जानते ही हैं कि देश में कोरोना के सेकेंड वेव से हाहाकार मचा हुआ है। एक दिन में 4 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं।
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी इस महामारी का काफी खौफ देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड, टॉलीवुड और भोजपुरी फिल्मों के साथ कई टीवी स्टार्स कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव की लिस्ट में साउथ फिल्मों के सुपरस्टार पवन कल्याण और अल्लू अर्जुन तो थे ही, अब जूनियर NTR भी कोरोना की जकड़ में फंस गए हैं। मंडे को जूनियर NTR की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। एक्टर और उनका पूरा परिवार होम आइसोलेशन में है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मेरा COVID-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है, कृपया चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उन्होंने आगे लिखा कि मेरे परिवार और मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है, हम डॉक्टरों की देखरेख में सभी प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जो पिछले कुछ दिनों के दौरान मेरे कॉन्टेक्ट में आए हो कि वे भी अपना कोरोना टेस्ट करवा ले, सुरक्षित रहें। इस पोस्ट के सोशल मीडिया पर आने के बाद उनके फैंस पोस्ट पर कमेंट कर उनके जल्दी ठीक होने की कामना कर रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही RRR की पूरी टीम ने एक वीडियो के जरिए लोगों को कोरोना के खतरे और प्रिवेंशन को लेकर अवेयर किया था और अच्छी बात यह है कि रिपोर्ट्स आते ही NTR ने थोड़ी सी भी देरी नहीं की और अनाउंसमेंट कर दी और खुद को आइसोलेट भी कर दिया। यही कारण है कि फिल्म की शूटिंग और डिले होगी, जिसके कारण फिल्म की रिलीज डेट का भी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हम तो यही चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द भले चंगे हो जाए और कोरोना को भी वो वैसे ही हराए जैसे अपनी फिल्मों में वो विलन को पटकनी देते हैं। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है फिल्म कब रिलीज होगी और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसे ही खबरें। बाहुबली से भी बड़ी क्या है इस फिल्म में खास, क्या होगा आलिया भट्ट का रोल, क्या अजय देवगन तैयार है तेलुगु फिल्मों में डेब्यू के लिए, क्या होगी SS राजामौली की इस फिल्म की कहानी, क्या आपने कभी सोचा है कि साउथ के सुपरस्टार्स और बॉलीवुड के सुपरस्टार्स मिल जाएं तो कैसा होगा, कैसा होगा अगर इन्हें लेकर एक फिल्म बनाई जाए। अगर आप भी ये सपना देखते हैं तो आपको बता दें कि आपका ये सपना अब मात्र सपना ही नहीं सच होने वाला है। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। तो हम जिस सपने की बात कर रहे हैं वो सपना सच होने वाला है। जी हाँ, साउथ के सुपरस्टार्स रामचरण और जूनियर NTR और दूसरी ओर बॉलीवुड के सुपरस्टार्स अजय देवगन और आलिया भट्ट को जोड़कर एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है RRR। मल्टी स्टारर इस फिल्म का नया पोस्टर हाल ही में जारी हुआ था जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ये फिल्म बेहद ही लोकप्रिय और ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली से भी दुगने बजट में बन रही है। जी हाँ, आइए आज हम आपको इस फिल्म से जुड़े ऐसे ही और भी कई खास तथ्य बताते हैं। फिल्म का निर्देशन बाहुबली फेम निर्देशक SS राजामौली कर रहे हैं और प्रोडक्शन हो रहा है DVV एंटरटेनमेंट के तहत। नॉर्थ इंडिया में इसका वितरण करने वाली कंपनी पैन स्टूडियोज है। NT रामा आराव जूनियर और रामचरण पहली बार किसी फिल्म में साथ नजर आएंगे। फिल्म की कहानी रियल लाइफ फ्रीडम फाइटर्स कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू की असल कहानी का नाटकीय रूपांतरण होगा। फिल्म में स्वतंत्रता सेनानी बनकर लड़ाई करने से पहले उनकी जिंदगी कैसी थी उसे दिखाया जाएगा। कोमाराम का किरदार रामा राव जबकि अल्लूरी का किरदार रामचरण निभाने वाले हैं। राजामौली की पिछली दो हिट फिल्में बाहुबली का बजट 180 करोड़ तो बाहुबली 2 का बजट 250 करोड़ था। इन दोनों से कहीं आगे निकलकर RRR का कुल बजट 350 से 400 करोड़ के बीच में है। एक्ट्रेस ओलिविया मॉरिस और आलिया भट्ट इस फिल्म से तेलुगु फिल्मों में अपना डेब्यू करने जा रही है। ओलिविया जहां रामो राव के अपोजिट होंगी वहीं आलिया भट्ट को रामचरण के अपोजिट कास्ट किया गया है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन भी फिल्म में अहम भूमिका निभाने वाले हैं, जिसका मतलब वे भी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू कर रहे हैं। आयरिश एक्ट्रेस एल्सिन डूडी फिल्म से लेडीज कोर्ट का लीड रोल निभा रही है। गौरतलब है कि यह फिल्म पहले 30 जुलाई 2020 को रिलीज होनी थी पर कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए हालातों के चलते ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि अब ये फिल्म 13 अक्टूबर 2021 को रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म के बारे में और भी कई अपडेट्स और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।
फिल्म की रिलीज से पहले ही क्यों साथ आए आरआरआर के सितारे, कैसे पर्दे पर आने से पहले ही आलिया ने जीता फैंस का दिल। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। एक बार फिर शंख की नाद के साथ अपनी बुलंद कहानी और मेकिंग से सबकी पगड़ियां हिलाने के लिए बाहुबली डायरेक्टर SS राजामौली पधार रहे हैं, और वह भी इस बार एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सितारे से ही सजी RRR के साथ। लगता है कि फिल्म की रिलीज के बाद थिएटर्स में भी कुछ ऐसी ही आवाज लगाई जाएगी। राजामौली की अपकमिंग इस मल्टी लैंग्वेज पैन इंडिया फिल्म ने सभी को हिलाकर रख दिया है और सब पलके बिछाए इसके रिलीज की राह देख रहे हैं। पूरी फिल्म तो क्या, फिल्म से कुफिर कोई वीडियो या पोस्ट भी रिलीज होती है तो उसके व्यूज की गिनती रिकॉर्ड बना देती है। ऐसा ही कुछ हुआ फिल्म की कास्ट के इस वीडियो के साथ। कौन सा वीडियो, किस बारे में, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इस समय देश कोरोना से जूझ रहा है और कई स्टार्स मदद के लिए या फिर जागरूकता फैलाने के लिए आगे आ रहे हैं। इसी कोशिश में RRR फिल्म की कास्ट और डायरेक्टर SS राजामौली ने भी फैंस और दर्शकों को कोरोना से बचने के तरीकों से अवेयर किया। ये एक वीडियो मैसेज है जिसमें जूनियर NTR अजय देवगन, रामचरण, आलिया भट्ट और डायरेक्टर लोगों से सावधानी बरतने की रिक्वेस्ट करते नजर आए। वीडियो में स्टार्स कहते दिखे कि कोरोना से बचने के लिए हाथ धोए, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, वैक्सीन के बारे में फैल रही अफवाहों पर ध्यान ना दें। लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो में लाइमलाइट किसी और ही बात ने चुरा ली, और वो थी आलिया भट्ट की तेलुगु। जी हाँ, इस वीडियो में आलिया ने अपनी पूरी बात तेलुगु में कही, और वह भी इतनी फ्लुएंटली कि फैंस उनके दीवाने हो गए। पूरा कमेंट सेक्शन आलिया की तेलुगु की तारीफों से भर गया। आलिया की यह मेहनत उन लोगों के लिए सबूत है जिन्होंने आलिया को इस फिल्म के लिए अनफिट माना था। वाकई SS राजामौली की पारखी नजर यूं ही किसी को नहीं चुनती। इस वीडियो की रीच और पॉपुलैरिटी को देखते हुए एक और बात साबित हो गई कि इस फिल्म को लेकर फैंस में कितना क्रेज है, और अगर ये क्रेज ऐसे ही बरकरार रहा तो फिल्म को दूसरी बाहुबली बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आपने वो वीडियो देखी है, और अगर हाँ तो आपको उसमें सबसे अच्छा क्या लगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, साथ ही फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। तूफानी समंदर भी जिसके आगे खामोश हो जाए, हर सरताज जिसके आगे एक सर झुकाए, धरती की जाति का लाल, बाहों में ताकत, आंखें जैसे बाज, जंगल का दुलार, गोंड का अहंकार, ये संघर्ष खून मांगता है, खून। खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं है बिस्मिल साहब। आखिर किस तरह की समानता है RRR की सीता और काठियावाड़ी की गंगूबाई में? फिल्म की अभिनेत्रियों की कौन सी खास बातें आई सामने, और कौन है RRR की सबसे छोटी अभिनेत्री? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर ने विकराल रूप ले लिया है। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी की खबरें लगातार आ रही हैं। कोरोना वायरस पीड़ितों की मदद के लिए कई सेलिब्रिटी भी जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में RRR की फिल्म कास्ट और डायरेक्टर SS राजामौली ने सभी फैंस और दर्शकों को कोरोना से बचने के लिए जागरूक किया है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। SS राजामौली की फिल्म RRR की टीम ने सभी से एक साथ आने और भारत को इस संकट से उभरने में मदद करने के लिए आग्रह की। टीम ने एक वीडियो मैसेज में कहा और स्थिति की गंभीरता पे जोर दिया,
इस वीडियो में आलिया भट्ट, राम चरण, जूरियन एनटीआर, अजय देवगन और एसएस राजमौली नजर आ रहे हैं। बता दें, सामने आए इस वीडियो मैसेज में जूनियर एनटीआर, अजय देवगन, राम चरण, आलिया भट्ट और डायरेक्टर लोगों से सावधानी बरतने का अनुरोध कर रहे हैं। वीडियो में स्टार्स कहते हैं कि कोरोना से बचने के लिए हाथ धोएं, मास्क पहने, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, वैक्सीन के बारे में फैल रही अफवाहों पर ध्यान ना दें। आपको बता दें, फिल्म की अभिनेत्री फिल्म के लिए काफी प्रयास कर रही हैं। वो ना केवल इस वीडियो में पूरे समय तेलुगु में बोलती नजर आई, बल्कि तेलुगु सितारों के साथ विज्ञापनों में भी नजर आ रही हैं। ये शायद आलिया की इमेज पर नेपोटिज्म के भार को हल्का करने में एक पहल हो। बता दें, ये विज्ञापन फ्रूटी का था, जिसमें आलिया तेलुगु इंडस्ट्री के स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन के साथ मस्ती करती नजर आई। इसके अलावा अपनी आगामी फिल्म आरआरआर में आलिया तेलुगु बोलते हुए नजर आई। पहली खबर थी कि आलिया के किरदार सीता के तेलुगु भाषा के डायलॉग के लिए एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन इस वीडियो के आगमन से तो लगता है कि आलिया ने अपने डायलॉग्स खुद ही बोले हैं। एक निजी पत्रिका से बात करते हुए अभिनेत्री आलिया भट्ट ने बताया कि फिल्म के तेलुगु संस्करण की शूटिंग के दौरान उनका अनुभव बिल्कुल अलग था। आलिया ने कहा, शूटिंग के दौरान मेरा जो अनुभव था वो अलग था, क्योंकि मुझे शूटिंग के दौरान तेलुगु में बोलना था, लेकिन ये भाषा मेरे लिए अज्ञात है। मैं पिछले 1.5 साल से इस फिल्म की तैयारी कर रही हूँ। मैं सोते समय भी सिनेमा के डायलॉग बोलती थी और मैं हर दिन तेलुगु बोलने की कोशिश कर रही थी। मैं अपने नाश्ते और लंच के दौरान भी लाइनों का अभ्यास करती थी। मैं इस फिल्म में अभिनय के लिए बहुत उत्साहित हूँ। मैं इस फिल्म का हिस्सा बनकर काफी अलग तरीके की उपलब्धि महसूस कर रही हूँ। फिल्म में आलिया के किरदार का नाम सीता है, जो दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प का प्रतीक है, और आलिया भट्ट का फेमिनिटी के नीचे छुपा विद्रोही अवतार आपको उनकी दूसरी आगामी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी से उनके चरित्र की याद दिलाएगी। फिल्म आरआरआर से उनके फर्स्ट लुक ने सोशल मीडिया पर कहर ढा दिया था, और एक बार फिर अभिनेत्री ने अपने आकर्षक अवतार के साथ सबका दिल जीतने में कामयाबी हासिल की है। हालांकि उनके मंत्रमुग्ध और विद्रोही रूप के बारे में कुछ ऐसा भी है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे और आपने नोटिस नहीं किया होगा। अगर आपने गौर किया हो तो आलिया ने अपने गले में चांद के आकार का लॉकेट पहना हुआ है, जो रामचरण के किरदार अलूरी सीताराम राजू को क्लाइमेक्स के दृश्य में पहने दिखाया गया था। आलिया की सीता की भूमिका भी रामचरण के किरदार राम राजू को परिभाषित करती है। अभिनेत्री ने लिखा, वो राम राजू के मिशन को पूरा करने में उसका साथ देगी। हैशटैग सीता से मिलो, मजबूत इच्छा शक्ति और संकल्प की महिला। आलिया जरूर राम राजू के मिशन को पूरा करने में भूमिका निभाएंगी, जो शायद कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य के रूप में हमारे सामने आए। आलिया का फिल्म में लुक काफी ट्रेडिशनल और फेमिनिन है, जो उनकी दूसरी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की तरह ही दिखाई दे रहा है। जिस तरह आरआरआर में आलिया अपने फेमिनिन लुक के नीचे विद्रोही अवतार छुपाकर बैठी हैं, उसी तरह का किरदार वो संजय लीला भंसाली की बिग बजट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में भी निभाने वाली है। एसएस राजमौली आग रामचरण और बर्फ जूनियर एनटीआर को राइज और रिवोल्ट के जरिए जल्द ही जुलाई में लेकर आने वाले हैं। आलिया सीता की पृष्ठभूमि में दियों के साथ दिखती है और उसकी आंखों में आशा और इंतजार साफ देखा जा सकता है, जो बहुत कुछ बयां कर रहा है। फिल्म में आलिया के अलावा हॉलीवुड अभिनेत्री ओलिविया मॉरिस का निभाया हुआ किरदार भी जेनिफर का जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश एक्ट्रेस ओलिविया मुख्य रूप से 7 Trails in 7 Days मिनी सीरीज के लिए जानी जाती है। आरआरआर में ओलिविया मॉरिस जूनियर एनटीआर की प्रेमिका के रूप में दिखेंगी। ओलिविया के अलावा आयरिश एक्ट्रेस एलिसन डूरी फिल्म में मिसेस स्टॉक का किरदार निभा रही हैं। आरआरआर में एलिसन का किरदार कथित तौर पर विलेन का है। इसके अलावा फिल्म में श्रिया सरन भी होंगी, जिनका किरदार अजय देवगन के ऑपोजिट बताया जा रहा है। हालांकि फिल्म में श्रिया का स्क्रीन स्पेस काफी कम है, लेकिन उनका किरदार एक दमदार वीरांगना के रूप में दिखाया जाने वाला है। आपको बता दें, फिल्म की सबसे छोटी अभिनेत्री होंगी स्पंदन चतुर्वेदी, जो आलिया के किरदार सीता के बचपन के किरदार में होंगी और उन्हें आप उड़ान से जानते हैं। तो ये तो थी फिल्म की मुख्य अभिनेत्रियों के नाम और उनके बारे में कुछ खास बातें। आपकी फिल्म से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की स्क्रिप्ट लिखी है सिमरन रावत ने। फिल्म में आलिया के किरदार का नाम सीता है, जो दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प का प्रतीक है, और आलिया भट्ट का फेमिनिटी के नीचे छुपा विद्रोही अवतार आपको उनकी दूसरी आगामी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी से उनके चरित्र की याद दिलाएगी। आपकी फिल्म से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। किन बड़ी फिल्मों के साथ है आरआरआर का कॉम्पिटिशन,
किसके सर चढ़ेगा बेस्ट पैन इंडिया फिल्म का ताज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। SS राजमौली की अपकमिंग RRR ने अनाउंसमेंट के साथ ही तहलका मचा दिया है। ये एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है जिसमें तेलुगु और बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ बड़े नाम दिखने वाले हैं। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया में पैन इंडिया कॉन्सेप्ट को पॉपुलर कराने में SS राजमौली का बहुत बड़ा हाथ है, जिनकी बाहुबली ने तेलुगु स्टेट से हटकर पैन इंडिया फिल्म का नाम पाया। अब एक बार फिर राजमौली अपनी उसी विशालता के साथ पर्दे पर लौट रहे हैं, लेकिन ऐसा करने वाले वो अकेले डायरेक्टर नहीं हैं, बल्कि इस साल कई ऐसी फिल्में तैयार हो रही हैं जो कई भाषाओं में पूरी इंडियन ऑडियंस के लिए बनाई जा रही है। आज हम अपनी वीडियो में इन्हीं फिल्मों की बात करेंगे, तो इसे जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। इसमें सबसे पहला नाम है साल की सबसे अवेटेड फिल्म KGF चैप्टर 2 का, जिसमें रॉकी की कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा और इस बार सुप्रीम विलन अधीरा के साथ उसका मुकाबला दिखाया जाएगा। प्लस रवीना टंडन, प्रकाश राज जैसी हस्तियों को भी न्यू एंट्री में देखने को मिलेगा। इस लिस्ट में अगला नाम है जिनकी बाहुबली के कारण पैन इंडिया फिल्मों को इतनी सक्सेस मिल रही है। जी हाँ, प्रभास, जिनकी एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 मल्टीलिंगुअल फिल्में मेकिंग में है। पहली पूजा हेगड़े के साथ उनकी रोमांटिक फिल्म राधे श्याम, जिसमें दोनों कलाकारों की सिजलिंग केमिस्ट्री देखने के लिए दर्शक बेताब हैं। दूसरी KGF डायरेक्टर प्रशांत के साथ उनकी एक्शन थ्रिलर फिल्म सालार, जिसमें श्रुति हासन उनके ऑपोजिट नजर आएंगी। और तीसरी फिल्म है डायरेक्टर ओम राउत के साथ उनकी रामायण पर बन रही आदि पुरुष, जिसमें प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान जैसे सितारों के साथ स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे। इन तीनों ही फिल्मों ने साल की मोस्ट वांटेड फिल्म्स में अपनी जगह कायम कर रखी है। इस लिस्ट में अगला नाम है उस एक्टर का जिसकी सुपरहिट फिल्म के रीमेक ने दक्षिण इंडस्ट्री की तरफ लोगों को झुका दिया। जी हाँ, अर्जुन रेड्डी, फेम विजय देवरकोंडा, जो जल्द ही स्टार की अनन्या पांडे के साथ स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म लाइगर में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन पूरी जगन्नाथ कर रहे हैं। अनन्या और विजय की शूट की फोटोज को ही जनता ने खूब सराहा और अब पलके बिछाए बैठी है और फिल्म के रिलीज की राह देख रही है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि कंपटीशन कितना तगड़ा होने वाला है। एक एक फिल्म की अपनी अलग पॉपुलैरिटी है और अपनी अलग स्टोरी है। इस जंग का अंजाम जो भी हो, इंडस्ट्री और फैंस के लिए तो ये समय मानो पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में वाला केस है। आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, बाहुबली की तरह RRR बाजी मार पाएगी, और इन सभी फिल्म्स में से आप किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं? वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया ना कभी सोचा गया। ब्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही हिला दिया। आखिर RRR में क्या किरदार होगा तेलुगु अभिनेत्री श्रिया सरन का? किस तरह आलिया भट्ट ने फिल्म सेट पर टैंट्रम्स दिखाए? कौन सी फिल्में हैं RRR के अलावा अभिनेता रामचरण के पास? आज हम बात करेंगे RRR की उन 3 अभिनेत्रियों के बारे में जिनका तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े और कुणाल खेमू अपनी भूमिकाओं को दोहराते हुए दिखाई देंगे। इन 3 बड़ी फिल्मों के अलावा जॉन इब्राहिम और दिव्या खोसला कुमार की सत्यमेव जयते 2 के लिए भी दर्शकों के बीच बड़ा अच्छा खासा जोश देखा गया, क्योंकि जो जॉन से करे प्यार वो कैसे करे उनकी फिल्मों को इनकार। दक्षिण के सुपरस्टार रामचरण, जिन्होंने अपनी आगामी फिल्म RRR के लिए बड़े पैमाने पर शारीरिक परिवर्तन किया, उसे प्रशंसकों द्वारा पसंद किया जा रहा है। स्टार ने हाल ही में अपनी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने फैंस को बताया कि वो सुबह उठकर जिम में जाकर अपनी मॉर्निंग किक स्टार्ट करना पसंद करते हैं। तस्वीर में अभिनेता अपने वर्कआउट के बीच एक छोटा सा पानी का ब्रेक ले रहे हैं। अभिनेता हाथ में पानी की बोतल के साथ जिम उपकरण पर बैठे हुए दिखाई देते हैं।
साझा की गई तस्वीर में राम चरण के साथ एक काले और सफेद रंग का एक ढीला टैंक टॉप पहने हुए दिखाया गया है, जो उनके पम्प्ड बाइसेप्स और एथलेटिक बॉडी दिखा रहा है, जो प्रशंसकों को उनके टोन पैरों और मांसपेशियों का एक आदर्श दृश्य देता है। रामचरण ने तस्वीर के साथ कैप्शन दिया, मजबूत सुबह, इससे बेहतर शुरुआत नहीं कर सकता था। आरआरआर के अलावा रामचरण की फिल्में जो पाइपलाइन में हैं, उनमें आचार्य भी शामिल है। एक एक्शन ड्रामा फ्लिक है जिसमें वो अपने पिता चिरंजीवी, काजल अग्रवाल और पूजा हेगड़े के साथ अभिनय करेंगे। अभिनेता ने हाल ही में अपने ट्विटर हैंडल पर फिल्म का पहला सिंगल लाहे लाहे का पोस्टर जारी किया था। फिल्म आरआरआर में रामचरण के ऑपोजिट, जैसा आप जान ही चुके हैं, आलिया भट्ट अभिनय करेंगी। और आपको बता दें कि फिल्म के निर्माताओं को आलिया के सारे नाज और शौक उठाने पड़ रहे हैं, यहाँ तक कि आलिया की टीम के लिए अनएक्सपेक्टेड खर्चे करने पड़ रहे हैं। अभिनेत्री अपने मेकअप आर्टिस्ट और फैशन डिजाइनर को अपने साथ हैदराबाद ले गई। पता चला है कि ये तैयारी आरआरआर के सेट पर जाने से पहले की थी। अभिनेत्री ने अपने मेकअप आर्टिस्ट पुनीत सैनी की सराहना करते हुए दावा किया कि उनकी हाथों में जादू है। पुनीत सैनी एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है। फिल्म की तीसरी हीरोइन का नाम है श्रिया सरन, जिन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम चैट में पुष्टि की थी कि वो SS राजमौली की RRR का हिस्सा है और इस भूमिका के लिए अजय देवगन के साथ शूटिंग करेगी। उन्होंने बताया कि उनकी एक बहुत ही भावनात्मक भूमिका है जो फ्लैशबैक भूमिका में दिखाई देंगी। 15 साल बाद राजमौली के साथ अभिनेत्री का पूर्ण मिलन होगा। उन्होंने इससे पहले 2005 में तेलुगु एक्शन ड्रामा छत्रपति के साथ काम किया था, जिसमें प्रभास मुख्य भूमिका में थे। तो क्या आप तैयार हैं दृश्यम के बाद एक बार फिर श्रेया और अजय को साथ में देखने के लिए? हमें अपना जवाब